आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, और कादियानी हजरात के लिए हिदायत की दुआ। दोस्तों, ज़िया रसूल अमीनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अहबाब से गुजारिश है कि हमारी इस आज की लाइव स्ट्रीम की का जो लिंक है, उसको आप अपने ग्रुप्स में, अपनी वॉल्स पे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा आज का जो पैगाम है वो पहुंच सके। आज हमने जो है वो एक अलग किस्म का टॉपिक जो है वो मुंतखब किया है आज की स्ट्रीम के लिए, जो कि मबनी है कादियानियत के अदालती निज़ाम पर, किस कदर ये मुनसिफ हैं और इनका जो अदालती निज़ाम है वहाँ पर कैसा इंसाफ मुहैया किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी बातें आपको मालूम होंगी आज के प्रोग्राम में, जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली और जो इस कल्ट में फंसे हुए हैं उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी। वैसे तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ज़माने से ही, उसकी ज़िंदगी से ही इनका जो अदालती निज़ाम है या इनका जो इंसाफ है वो समझ लें कि हकीकी इंसाफ के मुँह पर तमांचा था। एक मैं छोटी सी मिसाल भी आपको पेश कर देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी में इसका जो मुरीद ख़ास और इसका पहला खलीफा बना था हकीम नूरदीन, उसके कुछ शगिर्द थे, उन पर जो है बदकारी का एक इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने बदफेली की है लड़कों ने। तो वो बदकारी का उन पर इल्ज़ाम लगा तो केस आ गया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास। और आपको बताता चलूं कि ये बदकारी का जो केस बना था कुछ लड़कों पे, इनमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ख़ुद का बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद भी शामिल था। जब वो केस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास गया तो लोगों ने सिफारिशें की इसके करीबियों ने, और खुसूसन हकीम नूरदीन जो था उसने सिफारिश की कि भाई मेरे शागिर्द हैं, लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, तो जनाब ये झूठ पर मबनी है, सब इल्ज़ाम है, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या किया? मिर्ज़ा ने कहा कि इनको जो है देश निकाला दे दिया जाए, यानी कि इनको कादियान बद्र कर दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि केस गया था एक इनके नबी के पास, चाहिए तो ये था कि केस का जो है हकायक सुन के दोनों तरफ से सबूतों की बिना पर जो भी कसूरवार होता उसको सजा दी जाती। वैसे तो ये कहता है जी मैं इस्लाम जो है असल शक्ल में वापस नाफज करने के लिए आया हूँ। ये कौन सा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, कौन सा निज़ाम अदल जो है इस बात की इजाज़त देता है, कौन सी कोर्ट इस बात की इजाज़त देती है कि आपके पास एक केस आए, आप दोनों में से किसी फरीक को सुने बगैर फैसला सुना दें? क्या कहीं दुनिया की अदालत में या इस्लाम की अदालत में कहीं कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है? हरगज़ नहीं। अब केस आपके पास आ गया, आपको चाहिए था दोनों तरफ से सुन के फैसला करो। अब इसने फैसला क्या किया कि उनको कादियान बद्र कर दिया। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर तो उन लड़कों ने ये गलत काम किया था तो उनको जो इस्लामी सज़ा उनकी बनती थी वो क्यों नहीं दी गई? कादियान बद्र करना ये कौन सी इस्लामी सज़ा है बदफेली की? ये कादियानी हजरात पे सवाल है। और अगर उन्होंने बदफेली नहीं की थी, उन पर झूठा इल्ज़ाम था, तो इल्ज़ाम लगाने वाले तो बरी हो गए, इनको कादियान बद्र किस जुर्म की सज़ा में किया गया? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस इंतहाई जाहलाना फैसले पर, कि जो बग़ैर सोचे समझे अगर वो कसूरवार थे तब भी उनको सज़ा नहीं मिली, और अगर बेकसूर थे तो उनको सज़ा दे दी। तो ये शुरुआत ही इनकी ऐसे इंसाफ से हुई है, तो आगे इन्होंने क्या क्या कुछ करना है, तो इंशाल्लाह आज की स्क्रीन में बहुत सारे हकायक खुलेंगे। हमारे साथ जो है तशरीफ़ ला चुके हैं एस ए चौधरी साहब कैनेडा से, जो कि साबका कादियानी हैं, और कुछ अरसा कबल इन्होंने कादियानियत की हकीकत और असलियत जानते हुए इससे जान छुड़वा कर इस्लाम के दामन में आए। अल्लाह ताला इनको तादम हयात इस्लाम के दामन के साथ लगा रहने की तौफीक अता फरमाए, और अकीदा ख़त्म नबूवत जो है उसकी खिदमत करने की भी हमेशा तौफीक अता फरमाए। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एक मरतबा फिर के अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर ये फिर हमारे पास तशरीफ़ लाए हमारे साथ, और
पहले जो इनके प्रोग्राम्स हो चुके हैं उनकी फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जिस दर्द दिल के साथ और जिन हकायक के साथ ये बात करते हैं उसका बहुत गहरा असर हो रहा है, और इस कल्ट में फंसे हुए लोग जो हैं वो इनकी बात को बहुत गहराई से और तवज्जो से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत मुसबत समरात जो हैं वो सामने आएंगे। जो जो लोग भी किसी गलत फहमी की बिना पर, ला इल्मी की बिना पर या किसी भी वजह से इस कल्ट का अभी तक भी हिस्सा हैं, इंशाल्लाह चौधरी साहब की जो काबिश है उनको राह रास्त पर लाने के लिए एक जरिया साबित होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। चौधरी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? आपका सॉरी मैंने माइक ऑफ किया हुआ था। जी आप बोलिए। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौ सब आप सुनाएं जी, कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास फजल है। और माशाल्लाह ताहर अहमद डार साहब भी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह जी। जी चौ साहब, अब हमने स्ट्रीम आपके हवाले कर दी है। आज का जो टॉपिक है वो हमने एक अलग से टॉपिक जो है वो मुंतखब किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक पर जो है वो कोई सैर हासिल गुफ्तगू कभी भी कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मतलब कि किसी भी बात के तसलसल में इनका ये आ जाती है बात कि किस तरह के ये इंसाफ पसंद है। स्पेशल जो है वो कम ही ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं, तो जो बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज का इंशाल्लाह रहेगा। तो आप जो है हमारे नाजरीन को कादियानियों का जो निज़ाम अदालत है उसके बारे में जो आप जानते हैं, जो तहकीक रखते हैं, उनसे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, मैं कोशिश करूंगा जहां तक अल्लाह ताला मुझे तफीक दे। दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे तफीक दे कि मैं बेहतर रंग में और सच्चाई की बुनियाद पे उन हकायक को पेश करूं जो मेरे इल्म में है। तो और मेरी ये भी दुआ है कि अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए वो बेचारे लोग जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। आज मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे, उसमें ये था कि अहमदिया कल्ट के गद्दी नशीनों ने इन बेचारे कल्ट के अंदर फंसे हुए लोगों को ब्रेन वॉश कैसे किया है। तो बेशुमार चीज़ें हैं जिस पे टॉपिक पे भी हम बात करें, इनकी ऐसी ऐसी गैर इस्लामी और गैर कानूनी और गैर आइनी हरकतें हैं कि हर जो किसी भी बात को शुरू करें ये किसी तौर पे भी पूरा नहीं उतरते, ना अखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पे इनकी जो तलीमात हैं और जो इन गद्दी नशीनों के एक्शंस हैं। तो ब्रेन वॉशिंग में मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें यह था कि इनको जब लोग इनके खिलाफ खिलाफ नहीं कहना चाहिए, जब लोग अहमदिया कल्ट के इन अकायद के खिलाफ सबूत देते हैं, तो इन गद्दी नशीनों ने ये कह के अपने लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है कि सच्चों की मुखालफत होती है, हम सच्चे हैं इसलिए मुखालफत है। और ये अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए बदनसीब लोग तहकीक नहीं करते, ये उन गद्दी नशीनों की उस बात को बगैर तहकीक के मान लेते हैं। कभी इन्होंने कोशिश नहीं की कि ये जो मौलवी साहब हैं या उलामा हैं या जो हवालों के साथ बातें कर रहे हैं, सबूतों के साथ बातें कर रहे हैं, यार हम इनको थोड़ा सा सुने भी। सिर्फ इतना लफ्ज सुन के कि ये जितने भी उलामा हैं ये मुखालफत कर रहे हैं और सच्चों की मुखालफत होती है, तो अल्लाह ताला इनको तफीक दे कि जो हम बातें करते हैं या ये जो बातें सोशल मीडिया पे सुनते हैं, अल्लाह ताला इन बेचारे अहमदी लोगों को तफीक दे कि वो उसको कुछ तस्दीक कर सके। जो सब इनका भी जो है कसूर नहीं है इसमें इतना, क्योंकि इनको बचपन से जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे मुसलमान बच्चों को छः कलमे सिखाए जाते हैं, इनको भी ये छः कलमे सिखाए जाते हैं, मौलवी पागल, मौलवी जाहल, मौलवी बदतरीन मखलूक, मिर्ज़ा कादियानी की जय, बहतरीय तहतरीय। तो
ये चीज़ें जो सरकारी मुसलमान ये 6 कलमे इनको जो पढ़ाए जाते हैं, तो कैसे वो किसी मौलवी की बात पे यकीन। इनके लिए तो आप भी मौलवी हैं, मैं भी मौलवी हूँ, ताहर अहमद डार साहब भी मौलवी हैं, जो भी कादियानियत के हकायक इनको बयान करता है इनके सामने वो सारे मौलवी हैं। जी देखें, कैसे ये मतलब या के सॉरी मानेंगे जी उनकी बात। देखें, हम अदालती निज़ाम पे हमने बात करनी है तो थोड़ा सा टॉपिक दो मसलन ये शुरू हो गया है। ये बेचारे अहमदी लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और बेशुमार सुन रहे हैं, जो मुझे फीडबैक आ रही है, ये बेशुमार फैमिलीज और बच्चे और बूढ़े सुन रहे हैं, खुदा करे कि इनकी आंखें खुले। ये सुनते थे डे वन से, इनको सुनाया जाता था कि देखें कोई भी जो नबी आया है उसको मानने वाले अच्छे रहे हैं कि जो इनकार करने वाले हैं वो अच्छे रहे हैं। तो इनको एक दलील दी जाती थी कि चूंकि हमने मिर्जा साहब एक नबी आए हैं, हमने इनको मान लिया है, हम अच्छे हैं, तो जिन्होंने नहीं माना वो अच्छे नहीं है। आज तो इनमें ऐसे नबी आ रहे हैं जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं हवा च जिवें नेरी च छापर उड डाउन ने माने, ये सभी नबी नबियों को आज, तो ये बात भी गलत थी। फिर इनको ये बताया गया कि एक हदीस का हवाला दिया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से 72 दोज की हैं, एक उनमें से नाजी है, वो जनती है। अब जो और ये कहते थे हम वो 73वां हैं, ठीक है, इनको इनके ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से की गई, इनको ये था कि हम जनती हैं। आज तो जो इनका जनती जो फिर इनका जो फितना है ना, वो मजहब है ना फिरका है, ये एक फितना है इनका जो अपना ये फितना है, ये 12 से ज्यादा और फितनों में तकसीम हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जनती हैं तो मिर्जा मसरूर साहब का जो ये ग्रुप है ये जनती है कि जम्बा साहब का है कि नासिर सुल्तानी का है, तो मेरा ये इनमें से ये जाहद खान का है, ये कौन सा ग्रुप है इनमें से आज जनती है? इनमें से हर एक जो इनका ग्रुप है वो एक दूसरे को गालियां देता है, अल्जाम लगाता है, वो कहता है मैं जनती हूँ, कोई कहता है ये अब ये फैसला करें। तो मतलब ये है कि जो भी जिन बातों को बता के इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया, वो सारी बातें आज इनके वापस मुंह पे पड़ रही हैं जिल्लत के साथ, ठीक है। तो खुदा के लिए हम जो अभी बात अदालती निज़ाम के बारे में करेंगे, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, नफरत की बुनियाद पर नहीं है, तहकीक कर लें, देख लें। मैं ये अदालती निज़ाम बताने से पहले 2-3 वाक्या अपने बता देता हूँ, एक एक वाक्या अपने बता देता हूँ, एक ताकि दूसरा जो है वो टाइम का हर्ज ना हो। यहाँ पे कनाडा के अंदर एक अहमदिया कल्ट का उद्देदार है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और सुन रहा होगा इंशाल्लाह, आज नहीं सुनेगा तो कल सुनेगा, सुननी पड़नी है इनको। उसको मैंने कहा बाबा जो ये आप फैसले कर रहे हो, ये फैसले तो सारे कैनेडा के ला के अगर ला के ला अगर कैनेडा की हुकूमत के इलम में आ जाए, तो अक्सर फैसले जो है वो कानून के मतसादम है, वो जुर्म है यहाँ पे, तो आप इन बेचारों के फैसले खुद ही कर देते हो, तो कल को आप बदल जाते हो, तो ये आपकी फाइलें जो टेढ़ी मेढ़ी हैं, जो मुद्दा मदई और मुद्दा लय को तो नहीं मिलता उसकी तफसीर, लेकिन आपके पास वो रिकॉर्ड है, अगर वो रिकॉर्ड पकड़ा गया तो और कोई एक्शन ले ना ले कैनेडा हुकूमत पकड़ लेगी उन बेचारों को या आपको, तो आप इस रिकॉर्ड का क्या करेंगे? आप बदल गए तो आपके पास तो कोई निजाम नहीं है कि आप जैसे वो अदालतों में निजाम होता है रिकॉर्ड रखने का। कहने लगा वो मुझे हुक्म मिला है कि जब आप लाइक मुझसे पहले जिस बंदे के पास रिकॉर्ड था, जब उससे 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 बात हुई, उसको मैंने हमने उनसे बात की कि इस रिकॉर्ड का क्या करना है, तो गद्दी नशीनों का जो आगे चेले थे उन्होंने कहा जी वो फाइलें जला दें, ये है वो आपका अदालती रिकॉर्ड। वेरी अदालती गुड, रिकॉर्ड को लोग हमेशा के लिए एज ए सनद रखते हैं, जो सबका फैसले होते हैं वो मुस्तकबिल के फैसलों पे असरअंदाज होते हैं, लोग उनके हवाले देते हैं, मुहज्जब दुनिया हवाले देती है, और आपका निजाम अदालती ये रिकॉर्ड है कि जज साहब उसको छुप के जला रहे हैं, सुभान अल्लाह।
जज साहब को खुद पता है कि मैं जो करतूते कर रहा हूँ, जिस तरह मिर्जा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर जो अकायद की बुनियाद पे करतूते की, और मरने के करीब उसने अल वसीयत में जो मैंने हवाला दिया था कि एक वही लिखी कि खुदा मेरी सारी करतूतें, मैं वो वसीयत पढ़ ही देता हूँ, वो अभी मेरे पास है। मरने के करीब मिर्जा साहब ने यह कहा रसाला अल वसीयत में, रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफा 301, मिर्जा साहब ने लिखा कि खुदा मुझे वही की है खुदा ने कि तेरी अजल करीब आ गई है और हम तेरे मुतल्लक ऐसी बातों का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे जिनका जिक्र तेरी रसवाई का मूजब हो। तो जिस तरह मिर्जा साहब को यह था कि मैंने जो करतूतें की हैं वो नामो निशान अब मेरे खुदा मिटाएगा, खुदा ने नहीं मिटाए, इसी तरह वो जज साहब कह रहे थे कि जब मैं बदलूंगा मैं अपना रिकॉर्ड ही जला दूंगा। ये है इनका अदालती निजाम। अगर रिकॉर्ड वो रखना इस काबिल नहीं है कि आने वाले जज साहब उस रिकॉर्ड की बेस पे कुछ रहनुमाई ले सकें, तो अदालती निजाम इनका क्या है, इस पे तबसरा क्या करें? पर फिर भी इनका जो भी निजाम इस तरह का बना हुआ है, हम उस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं कि इस्लामी अदालती निजाम किस तरह रन करता है। उसमें यह है, जो इस्लामी अदालती निजाम है उसमें तमाम कवानीन तहरीरी हैं, शहादत जो होती है वो तहरीरी होती है, जिरा का हक होता है, मुद्दई और मुद्दा अलैह को अपना वकील रखने का हक होता है, फैसला तहरीरी तौर पे होता है, और अगर अगर काजी या जज पे शक हो, गैर जानबदारी का, लाइक जानबदारी का शक हो, तो उस जज को बदला जा सकता है। फैसला मानने वाले को हर जुर्म की अलहदा सजा है, फैसला मानने वाले को सुनाई गई जो सजा है वो वही दी जाती है जो उस कानून के अंदर है, यानी कि उस जुर्म की जो सजा है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाती। जो भी फैसला होता है वो अखलाकी तौर पे, उस फैसला जो है उसका मियार ये होना चाहिए कि वो अखलाकी तौर पे अखलाक के अंदर रहते हुए हो, मुआशरती तौर पे ठीक हो, आईनी हो, आईन के मुताबिक हो, और वो काबिले अमल हो, उसमें कोई दोंस और दांदली ना हो। रियासते मदीना के क्याम के बाद जितने भी फैसले थे वो तहरीरी थे और वो इन तमाम शरायत पे उतरते थे। उसके बाद है कि अदालती निजाम में एक कानून सालसी है, सालस मुकरर करना। जो सालस मुकरर करना होता है उसके बारे में भी महजब दुनिया ने कुछ हदें मुकरर की हुई हैं। उसमें यह है कि ये एक स्पेशल कानून है, ये जो सालसी का कानून है ये फौजदारी मुकदमात पर और आली मुकदमात पर लागू नहीं होता। फरीकीन जो जो दोनों जो फरीक हैं अपनी आजादाना मर्जी से सालस मुकर्रर करते हैं। अहमदिया कल्ट में ऐसा नहीं है, यहां पे दोंस और प्रेशर, मुआशरती प्रेशर उस पर डाला जाता है, उसको सजाओं से डराया डराया जाता है और मजबूर किया जाता है कि आप इस सालस को एक्सेप्ट करो। महजब दुनिया में सालसी जो निजाम है वो ये है कि आजादाना मर्जी से सालस मुकर्रर करते हैं, और ये तकर्री जो होती है, जो सालस मुकर्रर होता है वो भी तहरीरी होता है। सालस को, सालस जो होता है वो मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों के बात को सुनता है, दोनों को जिरा का हक होता है, दोनों को अपना आजाद वकील, अगर देखें हर बंदा अपने केस को बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकता, इसीलिए महजब दुनिया ने
वक्त के साथ साथ जो वकील हैं वो अदालती निज़ाम मुतारफ कराया। अगर आप अपना केस खुद लड़ने के काबिल नहीं है तो आप अपना वकील हायर कर सकते हैं। तो सालसी जो कानून सालसी है, इसमें भी आप दोनों को अपना वकील जो है वो हायर करने का इजाजत होती है। अगर साल्स पे दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी को इख्तलाफ हो कि उस पे शक पड़ जाए या वो उसकी कारकर्दगी से मुतमिन ना हो साल्स पे, तो सबसे पहले यह है कि साल्स को तहरीरी तौर पे लिख के दिया जाता है दोनों पार्टियों से कि आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। लेकिन फैसला करने से पहले पहले अगर उनमें से फरीकीन में से एक को ये शक पड़ जाए या वो उस साल्स की कारकर्दगी से मुतमिन ना हो, तो वो उसने जो उसको सालसी का हक दिया हुआ है वो उससे वापस ले सकता है। लेकिन अगर उसने फैसला कर दे, सालस के फैसला करने के बाद भी दोनों पार्टियों में से दोनों फरीकीन का को ये हक है कि अगर उनमें से कोई एक मुतमिन नहीं है तो वो उसको अदालत के सामने लेके जा सकता है और अदालत उस फैसले को देखेगी कि क्या ये फैसला अखलाकी तौर पर, मुआशरती तौर पर और आइनी तौर पर ये ठीक था, और अगर ठीक नहीं है तो अदालत उसको खत्म कर देगी, वाइड कर देगी। उसके बाद है जो जदीद निज़ाम इंसाफ है, अदालती निज़ाम है, जो आज के महजब मुल्कों में हर जगह ये लागू है। आज के महजब अदालती दौर में दीवानी फौजदारी केस हो, दीवानी हो, आइनी हो, रेवेन्यू के हो, जो टैक्स का कोई निज़ाम लाइक टैक्स के जो मसाइल हों, सब के लिए अलहदा अलहदा अदालतें हैं। दीवानी मुकदमात के लिए अलहदा हैं, फौजदारी में अलहदा हैं, टैक्स के मामले में अलहदा हैं और आईली तलुकात में अलहदा, लाइक हर मसले का के लिए एक अलहदा जज है। अहमदिया कल्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है, अहमदिया कल्ट में एक ऑल इन वन है। ठीक है, जो जदीद अदालती निजाम है इसमें भी तमाम फैसले तहरीरी होते हैं, जिरा का बकायदा हक होता है, दोनों पार्टियों को वकील अपना अपना वकील लेके आने का हक होता है। उसके बाद तीन अपीलें होती हैं, हर एक पार्टी को अपील करने का हक होता है, जो अहमदिया कल्ट में इस तरह का कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो भी फैसला होता है वो तहरीरी होता है, जज अपने फैसले के अंदर मुफस्सल तौर पे लिखते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पे फैसला किया है। वो तमाम नुक्ते जिनकी बुनियाद पे जज फैसला करते हैं उनको उनकी वजाहत की जाती है। उसके बाद उस फैसले की कापियां लेना दोनों पार्टीज का हक है कि वो सारे मुकदमे की तफसील जो है वो दोनों को फराहम की जाए, और अगर वो उस फैसले से मुतमिन नहीं है तो वो उससे ऊपर अदालत में और उससे फिर ऊपर अदालत में और उससे फिर ऊपर अदालत में। ये आज के महजब दौर में अदालती निजाम चल रहा है। और उसमें एक और बात कि देखें, हर जुर्म की अलग सजा है। अहमदिया कल्ट की जो सजाएं हैं उनके बारे में भी आगे जाके बात करती हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कानून बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको तफसील थोड़ी सी बयान करूं कि जो भी कानून बने हैं, जो भी सजाएं बनी हैं, वो बहुत से माहिर कानून उनमें शामिल हैं। उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तहकीक की होती है, जो लोगों के मजहबी मसाइल को समझते हैं, जो लोगों के जायदाद के मसाइल को समझते हैं, जो फैमिली जज है वो बच्चों के तमाम जो मसाइल है उनको समझता है। तो वो जो कानून बने होते हैं, जो कानून की शिकें होती हैं,
वो एक माहरीन जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कानूनी माहरीन होते हैं, उनकी राय के बाद वो जो फैसले होते हैं, उन फैसलों का कल को अवाम पे क्या असर होगा, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, हर चीज को देखकर फिर जाके कोई फैसले बनते हैं, फिर जाके कोई कानून बनता है। और उस पे जो जज बनते हैं वो भी, उनको हर तरह से, जो फैमिली जज है उसको फैमिली के तमाम मसाइल कई साल तक वो पढ़ता है, फिर जाके वो फैमिली के केसेस सुनता है। जो फौजदारी, जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो फौजदारी कानून है, उसमें जो जज है वो कई साल तक कानून की तलीम, जो फौजदारी मुकदमात हैं उन पे वो रिसर्च करता है, उसका एक मियार मुकर्रर किया हुआ है। अब हम आते हैं अहमदिया कल्ट का जो अदालती निज़ाम है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे रन कर रहा है। इनमें मामला किसी भी तरह का हो, दीवानी हो, फौजदारी हो, आयली हो, बच्चों की गार्डियन का मामला हो, सबके सिलसिले में अहमदिया कल्ट ने एक अपना खुद साख्ता निज़ाम इंसाफ तख्लीक किया है। ये स्टेट अंदर स्टेट है, इसकी इसका तो अलफ भी जूटा है और बे भी जूटा है। ये कहते हैं कि हम जिस भी मुल्क में रहते हैं, हम उस मुल्क के साथ वफादार हैं, जिस मुल्क के अंदर भी हैं उसकी ये जड़ें खोखली करते हैं। इन्होंने का अपना निजाम बनाया हुआ है। उसके बाद है, अगर अगर कोई अहमदी इस किस्म के निजाम, निजाम इंसाफ के खिलाफ, जो कि एक गैर आईनी है, कोई अहमदी अगर कोई आवाज उठाता है या तावन नहीं करता, तो उस पे चंदा ना लेने, अखराज करने, मस्जिदों में दाखिल ना होने, दाखला नहीं देना, उदा लेने पे पाबंदी, उसकी शादी होने पे पाबंदी लग जाती है, उसके बच्चों को और अबादात में जो हिस्सा लेना है, इनके जो जलसे हैं वहां पे उनके एंट्री को ممنوع कर दिया जाता है, उनका सोशल बाइकॉट कर दिया जाता है, और हर तरह की जो गैर आइनी और गैर अखलाकी सजाएं हैं वो ये अहमदिया कल्ट उन पर लागू कर देता है, जो इनके इस जालमाना निजाम को नहीं मानता। इसका तरीकेकार क्या है? तरीकेकार इसका यह है कि अगर दो अहमदी किसी भी बात पे आपस में उनका इख्तलाफ हो जाता है, चाहे वो फौजदारी मसला हो, लाइक वो फौजदारी जुर्म हो, दीवानी हो, आईली हो, तो उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले इस अहमदिया कल्ट के पास जाएं। अगर उनमें से कोई बंदा, फर्ज करें को मियां बीवी का आपस में इख्तलाफ है, उनमें से कोई अदालत के पास चला गया है, तो दूसरा बंदा अगर ये शिकायत करता है कि ये अदालत के पास चला गया है, तो बाज का तो उस पे तमाम वो सजाएं, सोशल बाइकाट और अखराज और इस तरह की, किसने अहमदिया कल्ट के साथ तावन नहीं किया, उसको उस पे वो सजाएं लागू कर दी जाती है। किसी को यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि किसी बंदे को अगर, हाँ, हमारी आपस में लड़ाई हो गई है, एक बंदा अगर पुलिस के पास जाना चाहता है, जो बंदा उसको उसके उस हक से रोकता है वो मुजरम है, ये भी एक जुर्म है। हर मुल्क ने अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए कवानीन बनाए हैं कि जो जो बंदा कानून को तोड़ता है, उस मुल्क ने उनको प्रोटेक्शन देने के लिए अदालतें बनाई हुई हैं, पुलिस बनाई हुई है, निजाम एक वजह किया हुआ है। अगर कोई बंदा अपने मुल्क के उस कानून की मदद लेना चाहता है, ये उसमें भी आगे से इन्वॉल्व होते हैं, जो एक जुर्म है। उसके बाद है, ये हर तरह के केस में, जैसे ये फ्रॉड का केस हो,
हैं तो ये सर्टिफाइड फ्रॉड ये हैं, जिस तरह ये झूठ की बुनियाद पे मगरबी मुल्कों में आके वीजे ले रहे हैं और झूठी स्टोरियां बता बता के। और उसकी एक बड़ा सबूत ये है कि आज इनके बेशुमार वीजे जो हैं, 8-8, 10-10 साल से ये बेचारे मुख्तलिफ मुल्कों में यूएनओ के दफ्तरों के बाहर वहां जाके जलील हो रहे हैं, इनको आज कोई मुंह नहीं लगाता। इसलिए कि यूएनओ के और दुनिया के इलम में जिस तरह मिर्जा कादियानी की झूठी तलीम आ गई है, इस तरह इनके सारे अहमदिया कल्ट के फ्रॉड भी लोगों के सामने हैं। आज अगर कोई 1,000 अहमदी किसी मुल्क में जाके केस करता है तो वहां बेचारों का किसी एक दो को उस पर एक अलहदा टॉप हो सकती है तकरीर, हम उस पर एक पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो जिस तरह वो झूठ इनके सामने आ गए हैं, तो इनको कोई कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा। इनमें फ्रॉड का केस हो, जमीन का केस हो, लेन देन का केस हो, कोई फैमिली के मसाइल हो, एक ही जज है जो इनके तमाम केसेस जो है वो सुनता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो दीवानी मुकदमात में हैं, अगर उस मुल्क के साथ ये वफादार हैं तो वहां अदालतें हैं, वहां ट्रेंड, क्या इनको उन मुल्कों पे इतमाद नहीं है? जब यहाँ पे मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होता है तो क्या कनाडा के अंदर रहने वाले अहमदियों को अपने ये जो कनाडा की अदालतें हैं इन पे एतवार नहीं है? ये अपने मसाइल वहां लेके जाते हैं, क्या इनको ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा? तो इन्होंने जो स्टेट अंदर स्टेट बनाई हुई है, ये एक गैर आइनी है। उसके बाद जब इनके फैसले सुने जाते हैं तो वो उससे ज्यादा जालमाना तरीके से सुने जाते हैं। एक अच्छा चलो, अब बंदा, आपने अभी जो बताया कि जैसे ये अदालत का जो सिस्टम होता है, जो कानून होता है हर मुल्क का, वो बकायदा उसकी कानून की किताबें होती हैं जिनमें वो सारे कवानीन लिखे हुए होते हैं, तो क्या इन कादियानियों का कोई भी नहीं है ऐसा सिस्टम कि जहाँ इनके कवानीन वगैरह लिखे हुए हों कि भाई ये हमारा अदालती निज़ाम है? अगर नहीं है तो किस तरह से ये मतलब के फैसले किस बेस पे करते हैं ये? बात यह है कि यहाँ पे आपने बाज़ का तो सोशल मीडिया पे मैंने आप लोगों की तकरीरें सुनी हैं, मुख्तलिफ उलमा के मनाजरे सुने हैं। वो कहते हैं हम चिराग लेके ढूंढते हैं कि कोई मुरब्बी, कोई मुअल्लम, कोई बंदा आके मिर्ज़ा साहब की जो करतूतें हैं जो गैर इस्लामी थे उनका आके दफा कर सके। और जो आते हैं वो आके हमसे पूछते हैं जी मिर्जा साहब ने ये भी लिखा था कि ये भी लिखा था कि ये भी लिखा था, उनको खुद नहीं पता। मतलब मेरा बात करने का ये है, आपने जो पूछा है कि देखें इन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, ये जो इनके जज हैं इन्होंने कानून भी नहीं पढ़ा हुआ, ये जो फैसले किस बेस पे करते हैं, ये फैसले जिस तरह आज ये कल्ट खड़ा है इनको खुद नहीं पता कि हम खड़े किधर हैं, हमारा इनको अपनी तलीम का खुद नहीं पता। और जिनको पता है वो बदध्यान से अपने लोगों को सच्चाई बताते नहीं है कि मिर्जा साहब का ये भी उसने कहा कि मैं नबी हूँ, ये भी कहा मैं रसूल हूँ, ये भी कहा कि मैं हजरत ईसा बन गया, ये भी उसकी जो बाकी तलीम का नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने ये जो अदालती निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, अहमदी किसी अहमदी को कोई पता ही नहीं है के फैसला। देखें जो मैंने दो तीन बातें चार बयान की हैं उसमें यह है, जब भी कोई झगड़ा होता है अदालतों में उसको तहरीर में लाया जाता है, दोनों पार्टियां उसको तहरीर में लाती हैं, दोनों पार्टियों के वकला को पता होता है कि ये जो जुर्म है इसकी ये सजा है, या ये लाइक हर तफसील कानून के अंदर लिखी होती है, ठीक है। आमदियों को पता ही नहीं है कि इनकी जो कानून की किताब है, मेरे तो इलम में नहीं है, अगर इनके कोई इलम में है तो ये शाया करें कि हमारे ये कवानीन हैं, हमारी ये सजाएं हैं। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं खोता घोड़ा बराबर, किसी का जमीन का मसला है तो उसका भी अखराज है, किसी ने बकरी खोल ली है उसका भी अखराज है, किसी ने किसी को गाली दे दी है उसका भी अखराज है, वो भी शादी नहीं कर सकता। ये इस तरह का कभी आपने कानून सुना है दुनिया में कि एक ही सजा है खोते घोड़े की, ठीक है। तो ये
जिस तरह तलीम छुपाई हुई है, इनका अदालती निजाम छुपा हुआ है, आमदियों के इलम में नहीं है। आमदियों के इलम में ये है कि जो भी वहां से देखें ये रन कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैं खुद इसका विक्टम हूं, ठीक है, विक्टम। ये हम दिया लोगों कल्ट के जो लोग जिनको नहीं पता कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। देखे मुझे यहाँ पे तरीकेकार ये है कि एक बंदे ने दरखास्त दे दी, साल्स मुकर्रर कर दिया, ठीक है। अब वो साल्स ने आपको कॉल कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप किसी मामले में हमारा इख्तलाफ है, आपने कॉल कर दिया तो उन्होंने मुझे कॉल कर देनी है कि आप इसका जवाब दें, ठीक है। अब आपने जवाब दे दिया, हर बंदा अपने केस को बेहतर रंग में पेश नहीं कर सकता, इसीलिए मुहज़ब दुनिया ने वकला दिए हुए हैं कि ठीक है आप नहीं खुद लड़ सकते तो वकील को ले जाएं, ठीक है। आपने अपना मौकफ बयान कर दिया, ना वहां पे जिरह है, ना वहां पे ओपन आपको कोई उसका रिटर्न फैसले की कॉपी मिलती है ताकि आप अपील कर सकें, ना आपको यह बताया गया है कि किस बुनियाद पे आपका फैसला हुआ है। 10 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, या मिल जाएगी बरी हो गए हो, या मिल जाएगी अखराज हो गए। और अखराज जो है वो एक इतनी जालमाना, वो ना तो इस्लामी सजा है, ना वो महजब दुनिया उसको मानती है। ये अहमदिया कल्ट के लोग बेचारे लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अपना दफा नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते। महजब दुनिया के अंदर तो वो सजा बिल्कुल ऐसी है जैसे शर्म आती है सुन के। ये है निजाम इनका। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्जी जिस किस्म का मर्जी जुर्म हो उसके दो ही फैसले होते हैं, या बरी कर दिया जाता है या अखराज हो जाता है। एक को बरी कर दिया, एक अखराज कर दिया। अल्लाह करे ये लोग अब अपनी आवाज उठाएं। देखें हाँ यही है, आई एम सॉरी, आपके सवाल का जवाब यही है, यही है तफसील। देखें मेरा मैंने आपकी बकरी खोल ली, एक ये है छोटा सा, मेरा अखराज हो गया। मुझे किसी अहमदिया कल्ट के गद्दी नशीन के चेले की कॉल आ गई कि बाबा इस बात का आप जवाब दें, मैंने जवाब नहीं दिया, मेरा अखराज है। मैंने जुर्म छोटा किया है, मैंने किसी का $200 देना है, चाहे मैंने किसी का 2 मिलियन देना है, चाहे मैंने किसी के जमीन ले, यही है। उसका अखराज करो, उसकी बेटी का अखराज कर दो, पूरी पूरी फैमिली का। छोटी छोटी बातों पे देखें, छोटी छोटी बातों पे इसलिए जो जज होते हैं उनको वो तलीम लेते हैं कानून की। अगर इस्लामी मुल्क है तो वो इस्लामी तलीम भी उसको पढ़ते हैं, मुआशरे का भी उनको इलम होता है। उन सजाओं के बाद जिस तरह प्रोफेशनल डॉक्टर को पता होता है कि ये दवाई के बुरे असरात क्या हैं, इसी तरह उस जज को पता होता है कि इस तरह की सजा से इस बंदे की जिंदगी पे और माशरे पे क्या असर होंगे। इसीलिए वो कई कई साल वो जो जज हैं वो रिसर्च करते हैं, उनको तलीम की, उनको कानून की किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिर जाके एक जज बनता है। अगर कोई फैमिली का जज है तो उसको कई साल तक वो फैमिली के जो मसाइल हैं उन पर रिसर्च करता है कि ये सजा देने से या इस तरह फैसला करने से ये असर हुआ, ये असर हुआ, ये असर हुआ, ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। यहाँ कोई बंदा अनट्रेंड बंदा जिसको इनके इनके बारे में तो क्लियर है, मिर्जा कादियानी की तो तलीम इस काबिल नहीं है कि उसको उस पर अमल किया जाए, लेकिन इन्होंने तो अपनी तलीम नहीं पढ़ी हुई। इस्लाम को इन्होंने क्या पढ़ना है? इस्लाम के साथ तो इनका वैसे तलक भी कोई नहीं है क्योंकि इन्होंने एक बिल्कुल नया फितना खड़ा किया हुआ है। अगर इनको इस बात पर एतराज है तो आए सामने बहस कर लें, लेकिन ना इन्होंने इस्लामी तलीम का इनको इलम होता है, ना इन इनके जो जज हैं उनकी कोई तलीम है, कानूनी तलीम है, ना इन्होंने कोई कानून की डिग्री ली होती है। कोई माजा गामा उठ के जज बन जाए, यहाँ ना उसकी सेहत के बारे में कोई सर्टिफिकेट होता है। और एक और बात, दुनिया का कोई भी जज जिसने जुर्म किया हो उसका एक रिकॉर्ड चेक होता है कि ये मुजरम तो नहीं था पहले, ये क्या
क्या उसको बोलते हैं कि ये कोई सजा याफ्ता मुजरम तो नहीं है, इनमें वो भी कोई चेकिंग नहीं है, कोई बंदा जाके जज बन जाए और जाके लोगों की किस्मतों का फैसला करना शुरू कर दे, और कोई तहरीरी उसको सबूत नहीं लोगों को नहीं दिए जाते, उनकी तफसील नहीं दी जाती उनको, उसके बाद ओपन जिरा नहीं होती, ठीक है, इनके जो फैसले हैं वो इनके बुक्स की शक्ल में, जो जजेज के जो फैसले होते हैं वो लेटर ऑन कानून का हिस्सा बन जाती हैं, वो आगे मुस्तकबिल में उसको हवालों के साथ जो वकील होते हैं वो एज ए हवाला इस्तेमाल करते हैं, इनके पुराने जो फैसले हैं उनको शाया किया जाए केस बेस पे। ये पहली बात तो यह है कि आज के महजब दौर में स्टेट अंदर स्टेट बनाना यही जुर्म है, यही एक जुर्म है। उसके बाद फिर लोगों की जो इनकी जो इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, इस तरह के जालमाने फैसले कर देने, अनट्रेंड लोग इनके फैसले कर देते हैं, उनके साथ देखें देखें जिस पे अखराज की सजा लगा दी गई, सोशल बाइकॉट कर दिया गया, अब ना तो वो बच्ची है वो शादी कर सकती है, पहले तो उसका ऐलान कर दिया अखराज के बाद उस बेटी का, उस लजना का, उस बूढ़े बंदे का, अब उसका ऐलान कर दिया मस्जिद में, इबरत का निशान बना दिया, फिर उसको उसको शादी के हक से महरूम कर दिया। अगर वो किसी आहमदी जिसका खराज हुआ है वो किसी आहमदी लड़की से, अगर किसी आहमदी लड़की का खराज हो गया तो वो किसी आहमदी लड़के से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। अब किसी का लेन देन का एक मसला है, उसको सुना ही नहीं गया प्रॉपर, उसको वकील, यार लेन देन का मसला है यहाँ पे, यार रसूल साहब आप थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे ये अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? यहाँ कनाडा में लेन देन के मसले पे कोई अदालत नहीं है, यहाँ पे फैमिली मसाइल हो कोई अदालत नहीं है, यहाँ पे घर का मेरा प्रॉपर्टी का केस हो कोई अदालत नहीं है, इनको ये तमाशा लगाने की जरूरत क्या है, ये किस बेस पे लगा के बैठे हैं और इसकी हैसियत क्या है? मैं खुद अपना एक वाकया बताऊं, मुझे इनकी कॉल आ गई जब मैं कल्ट के अंदर बदनसीबी के साथ फंसा हुआ था, मेरी बदनसीबी थी कि मैंने इनके अंदर था, जो मेरे वालदेन का मजहब था उसी पे मैं पैदा हुआ और हमें बताया नहीं गया, जब मुझे पता चला, ये अल्लाह रहमत करे उस बंदे पे जिसने ये सोशल मीडिया, उस बंदे पे या उन बंदों पे जिन्होंने ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी है लोगों को दी, जब मैंने रिसर्च किया पढ़ा चेक किया तो मैंने छोड़ा, तो मेरा एक केस था तो मुझे अहमदिया कल्ट के एक जज की कॉल आ गई, मुझे कहने लगा आपके खिलाफ ये फलां बंदे ने शिकायत की है तो आप उसका जवाब दे दें। मैंने कहा बात ये है कि वो जो बंदा, इस तरह थोड़ा सा वजाहत नहीं होगी, वजाहत इस तरह होगी तो मैं उसको वर्ड टू वर्ड, लफज टू लफज बयान करूं। तलाक का मेरा एक मामला चल रहा था, ठीक है, तो उसमें जो पहली बीवी थी उसने इन अहमदिया कल्ट के लोगों को लिखा कि जी मुझे तलाक चाहिए, तो मुझे ये कॉल आ गई कि जी वो आप की बीवी ने तलाक मांगी है तो आप इसका जवाब दें। मैंने कहा बाबा उसने तलाक मांगी है तो तलाक दे दें आप उसको, अगर वो उसने आपसे तावन मांगा है, मैं तो कोई जवाब देने के पाबंद नहीं हूं, ना मैंने देना है, उस वक्त मैं इस कल्ट का हिस्सा था। तो मुझे वो जज साहब कहने लगे, जो इनके इनके एक जज साहब, क्या लफ्ज, मैं जज साहब भी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, जो इस तरह का वो समझ लें कि दुकान इनकी जो सजाई हुई है, तो जज साहब कहने लगे जी बात ये है। मैंने कहा मेरे इलम में तो ये है कि अगर एक पार्टी तामन ना करे तो काजी को ये अख्तियार हासिल होता है कि वो यक तरफा फैसला दे सकता है, तो अगर मैं नहीं तामन करता फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनकी दरखास्त पे उनकी मदद करें। कहने लगे बात ये है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप लिख के ना दें अपनी तरफ से, उन्होंने हमें सालस मुकर्रर कर दिया है, आप सालस हमें मुकर्रर ना करें तो हम उसको
ये हक नहीं दे सकते। मैंने कहा मिसाल के तौर पे मैं 10 साल अगले या 20 साल अगले तामन ही नहीं करता तो वो बेचारी ऐसे लटकी रहेगी। आप जज किस किस्म के हैं जो जिनके पास इतनी पावर नहीं है? मुझे कहने लगे जी बात यह है कि अगर हम एक तरफा फैसला कर दें और आप अदालत में चले जाएं कि इन्होंने एक तरफा फैसला किया है तो हमें तो अदालत पकड़ के ले जाएगी। माशाल्लाह जज कह रहा है कि मुझे यहाँ का लोकल जज के हुक्म पे कोई पकड़ के ले जाएगा। जब तक आप, इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में, तो मैं जज था वहां पे, कि अगर मैं तावन करता हूं तो उस बेचारी की हेल्प होती है, मैं तावन नहीं करता तो हेल्प नहीं होती। मैंने कहा अगर आप इतने बेबस किस्म के जज हो तो आपको ये इस तरह की 2 नंबर किस्म की अदालत लगाने का शौक क्यों पैदा हुआ? किस बुनियाद पर लगाई हुई है इतना बेबस जज? तो ये इनका हाल है। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ी सी आगे लंबी बहस है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखें जब मैं लिख के दूंगा तो फिर आप जो नानसाफी की जो जो तरीके कार वो शुरू करेंगे। नानसाफी किस किस तरह? मैंने लिख के दे दिया, फर्ज फर्ज करें, मैंने तो नहीं लिख के दिया था। अगर मैं लिख के कोई पार्टी देती है तो उसके बाद ये है कि वो जो जज है, मुझे कोई, मैंने अपनी स्टोरी, मुझे लिखनी आती है, मुझे नहीं आती, मुझे जुबान उर्दू लिखनी आती है, नहीं आती, मुझे अपना जो मुद्दा है वो बयान करना आता है, नहीं आता, डजंट मैटर। मैंने जो रिपोर्ट लिख के फर्ज करो दूं, उस पे जज भी इसी तरह का है, कोई बहस नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई उसकी तहरीरी कापी नहीं मिलेगी कि मैं फैसला कल को अदालत में लेके जा सकूं। एक 2 नंबर सा फैसला आ जाएगा, या मेरा खराज हो गया या कोई फैसला हो गया, अगर हम नहीं मानते, कोई भी किसी तरह का भी सजा का फैसला आ जाए, नहीं मानते अखराज, ठीक है, और अखराज के बाद क्या है, माफी मांगे, माफी मांगे। हर इनका जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके बाद माफी मांगे। तो ये इनका एक निजाम है, ना इनके जजों की कोई तलीम है। सबसे बड़ी जो बदनसीबी है इस कल्ट के अंदर रहने वाले लोगों की, वो सवाल नहीं उठाते, वो अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाते। वो इन मुल्कों में रहने के बावजूद, उनको लिखना चाहिए, ये जो इन मुल्कों में कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में लोग रहते हैं, इनको आपस में भी ये बात करनी चाहिए, और इनको फोन पे बात करके पाकिस्तान अपने पिछलों को भी बताना चाहिए कि बाबा हम आज भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं, वो जो पत्थर के जमाने का इंसान था। हमारे आज भी फैसले के कैनेडियन अदालतें नहीं करती, हमारे आज भी फैसले वो अहमदिया कल्ट के चेले कर रहे हैं जो हमारे सदके पे पलते हैं, जिनकी ना कोई कानूनी तलीम है, जिनको ना कोई कानून का पता है। हमारी बेटियों, बीवियों, हमारे बुजुर्गों के ऐलान और फैसले, हमारी तकदीरों के फैसले आज भी इन अनट्रेंड, गैर, जिनको ना कानून का पता है, ना इनको मुल्की कानून का पता है, ना इस्लामी कानून का पता है, ना इस्लामी फिका का पता है, ना ये मजहबी मसाइल को समझते हैं, ना फैमिली मसाइल को समझते हैं, इन लोगों को रोना चाहिए जब ये बात ये कैनेडा के अंदर नहीं रहते। पाकिस्तान आजाद हो गया, ये आजाद नहीं हुए इस कल्ट से, दुनिया आजाद हो गई है। लोग उन जाहली पीरों को जो ड्रामे करते थे, जाहली पीर जो जिन निकालने के तरीकों से और इस तरह बहुदा हरकतों से लोगों पे जुल्म करते हैं, आम लोगों ने उनसे जान छुड़वा ली है। ये बदनसीब कम्युनिटी आज भी इस कल्ट के अंदर फंसी हुई है अच्छा सर, इनके। वैसे जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये तो सरासर जो है जुल्म है, डिक्टेटरशिप है, कि बस जो इनके बड़ों ने कर दिया वही उस पे ना सवाल उठा सकते हैं ना कोई बकायदा तरीकाकार है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैंने ये मामला जब हुआ था इसराइल और यूएई का, तो एक मुल्क है सी लैंड के नाम से जो कि बरतानिया के किसी समुंदर में, दूर दराज समुंदर में वाक़ है, और वो मुल्क है उसकी टोटल आबादी 50 अफराद हैं, और वो कंक्रीट के दो सतून बने हुए हैं समुंदर के अंदर, और उसके ऊपर जो है वो बना के उन्होंने सारा कुछ, उसका जो हेलीपैड है वो भी ऊपर ही है, रिहायशें भी उसके ऊपर ही हैं, कंक्रीट के दो नीचे सतून है, उसके ऊपर वो छत वगैरह डाल के
कंक्रीट की बनी हुई, तो उसके ऊपर वो 50 अफराद रह रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसका अपना सारा निज़ाम है, निज़ाम अदालत उसका अपना है, पासपोर्ट उसका अपना है, करेंसी उसकी अपनी है, सी लैंड उसका नाम है। तो वो बात हो रही थी कि उस मुल्क ने जो है वो अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कादियानी कल्ट में फंसे हुए लोगों को कि ये शुक्र अदा करें अपने खुदाए जलाश का कि अभी तक कादियाइयों को ये सी लैंड जितना 50 अफराद पर मुश्तमिल मुल्क जितना भी इनको कोई मुल्क नहीं मिला जहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत कायम हो सके। अगर ऐसा हो जाता तो ये कादियानी हजरात सोच सकते हैं कि इनके साथ वहाँ क्या होना था फिर, जब ये दूसरे मुल्कों में जहाँ ये पनाह गुजीन है वहाँ रह के उन मुल्कों के अपने निज़ाम हैं जहाँ पर ये लीगली नहीं है, इलीगल है ये कि स्टेट के अंदर जो है स्टेट विद इन स्टेट बनाई जाए, और ये क्राइम है और बहुत बड़ा क्राइम है जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। वहाँ रहते हुए ये लोग अपने कल्ट के लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, तो अगर ये कहीं इंडिपेंडेंट हो जाते, चाहे सीलैंड जितना मुल्क ही क्यों ना 50 अफराद का बना पाते, तो फिर ये अहमदिया कल्ट के लोगों का क्या हशर करते, कैसे इनको जो है वो जानवरों की तरह वहां रखा जाता, ना कोई इंसाफ ना कोई अदल ना कोई कानून ना कोई, तो क्या इनका हाल होता। हाँ, उसके मैं उसका मैं एक हवाला देता हूँ। काश ये अहमदिया कल्ट के मजलूम जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, काश ये सोचें और चेक करें जो आपने कहा है कि इनको कुछ मिल जाए। तो इस तरह के जालमों को अगर कुछ मिल भी जाए तो छिन जाता है, ये कानून कुदरत है। जालम किसी एरिया में, किसी मुल्क में, किसी इलाके में जालम वक्ती तौर पे अगर कंट्रोल कर भी लें तो जालम आखिर उनको शिकस्त हो जाती है, ये कानून कुदरत है। देखते इनके जो आपने हुकूमत की बात की है, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो इनका दूसरा गद्दी नशीन था, उसने अल फजल 2 जून 1936 में उसने ये खुतबा दिया। उसमें ये खुतबा तो लफज नहीं होना चाहिए, उसने ये बकवास की दूसरे लफ्जों में। वो कह रहा है हुकूमत हमारे पास नहीं है, हम जबर के हुकूमत हमारे पास नहीं है कि हम जबर के साथ उन लोगों की असलाह करें और हिटलर और मुसोलिनी की तरह जो शख्स हमारे हुक्मों की तमील ना करे उसे मुल्क से निकाल दें। कहता है हमारे पास हुकूमत नहीं है, अगर हमारे पास और हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम हिटलर और मुसोलिनी की तरह जो शख्स हमारे हमारे हुक्मों की तमील ना करे उसे मुल्क से निकाल दें, और जो हमारी बातें सुनने और इन पर अमल करने पर तैयार ना हो उसे इबरतनाक सजा दें। अगर हुकूमत हमारे पास होती तो हम एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर देते। ये अल फजल 2 जून 1936, एक दिन में कहता है कि ये मुसोलिनी और हिटलर की तरह हमारे पास हुकूमत नहीं है, हम इनको इतनी इबरतनाक सजाएं दें। एक दिन से क्या मुराद है, एक दिन से कौन सा कानून बनता है? ये वो है वो पत्थर के जमाने का दौर जिनमें बादशाह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खोपड़ियों के पहाड़ लगा देते थे, लाशों को उल्टा चौकों में लटका देते थे। क्या ये आज करते हैं? आज भी करते हैं ये। वो किस तरह हुकूमत नहीं है इनके पास। एक दिन में यह था कि हम इतना जुल्म करें कि इतना इतने इबरतनाक लोगों को सजा दें कि एक दिन में लोग डर के बाकी मुंह बंद कर लें, एक दिन में सीधा कर दें। ठीक है, आइए क्या करते हैं जहां तक इनको जुल्म करने का मौका मिलता है। देखें छोटी से छोटी सजा अखराज कर दिया, वो जी निजाम को नहीं मानता अखराज, अखराज मुसलमानों को भी नहीं पता, और अहमदिया कल्ट के जो लोग हैं ये तो जुल्म सह सह के इनके जिस्म बेहिस हो चुके हुए बेहिस हो गए हैं, इनको भी नहीं पता कि हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। अखराज है क्या? किसी की मां बहन बेटी का नाम मस्जिद में जिल्लत के साथ पुकारना,
उसका सोशल बाइकॉट करना, उसकी शादी पे पाबंदी लगा देना, वो शादी नहीं कर सकती, और बच्चे और वो बहन बहने बहनों से जुदा हो गई इस कल्ट की वजह से, भाई भाई से जुदा हो गए। ठीक है, मैं खुद, मेरे भाई, मेरी बहन हर रोज मुझे फोन करती थी, जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूं, मैं कसम से कहता हूँ, वो मुझसे नफरत नहीं करती, वो फोन नहीं करती, मजबूरी है, भाई छुपे हुए हैं, ये मजहब है, मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी करता हूं। मेरी तरह कई लोग बेचारे कई सालों से इन जुल्मों के अंदर पड़े हुए हैं, मैंने तो आवाज उठाई है, इनको दुआएं देनी चाहिए मुझे, इनको मेरे साथ। कल परसों मैं देख रहा था एक कमेंट किसी मीडिया सोशल मीडिया पे, एक कमेंट की तो बात नहीं होनी चाहिए, हजारों की तादाद में भी ये गालियां निकालते हैं, ये मुझे गालियां ना निकालें, मैं कोई फसाद की दावत नहीं देता, मैं कहता हूं सवाल करो, सवाल करो, ये अहमदिया कल्ट ये ना कोई मजहब है ना कोई फिरका है, ये एक फितना है। मिर्जा की कादियानी की तलीम देख लो, एक एक हवाला चेक कर लो, हर अहमदी एक ही हवाला लेके चेक कर ले, ये अगर सारे हवाले भी चेक नहीं कर सकता, ये कल्ट है, इसने खत्म होना है, आज नहीं खत्म होगा तो कल होगा। आप वक्ती तौर पे जो इसको कहते हैं, वक्ती तौर पे तो आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, आज ये जो अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए हैं, कोई अपना रिश्ते बचा रहा है, कोई बच्चों के रिश्ते बचा रहा है, कोई भाइयों के रिश्ते सोच रहा है, कोई दूसरी मजबूरियां सोच रहा है, ये कितनी देर और पंक्चर लगाओगे, ये ट्यूब बदलनी पड़नी है आपको, कितनी देर, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपके बच्चों को आना पड़ेगा। आप इस कल्ट को मजबूत कर रहे हो, ये जुल्म, इस जुल्म के खिलाफ एक ना एक को उठना पड़ेगा, और ये खत्म होके रहेगा, और ये बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहा है। अल्लाह पाक, 1 घंटा हो गया है, अल्लाह पाक तमाम अहमदिया कल्ट में फंसे हुए लोगों को सोचने का, सवाल करने का, अपने हकूक के लिए आवाज उठाने का हौसला दे, खुदा उनकी मदद करे। हम आपके साथ हैं, हम दुआएं भी करते हैं, जहां तक हो सकता है आपको इनके बारे में मालूमात भी दे रहे हैं। आप कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन मुल्कों में भी आके, दुनिया आजाद हो गई है, अहमदिया कल्ट के लोग आजाद नहीं हुए, उस बर्बादी के अंदर आपके दिन और रात गुजर रहे हैं, खुदा करे कि वो दिन आए, लोग 14 अगस्त मनाते हैं, आप भी आजादी का दिन मनाएं, खुदा करे, मैं आपको अभी तक आजाद नहीं देख रहा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया चौर साहब। हमारे साथ ताहर अमल डार साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस इस मामले में हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जाकला जयासुल भाई, सगीर चौधरी साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं सगीर चौधरी साहब ने, और स्पेशली हमें, चूंकि हम लोग तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, तो इस लिहाज से मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बाहर का केस। मैंने भी इधर जो फॉलो किया था आईली केस, जो आईली मामला होते हैं तलाक के या इस किस्म के, तो वो मैंने भी, मुझे एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस मामले में, तो बाहर से मुझे किसी ने वकील मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ इनका आईली मामलात में इनके मोस्टली जो होते हैं वो मरबियान वकील होते हैं, तो उस लिहाज से भी मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पर मैं ये बात वाजे कर दूं कि इनके जो निजाम इंसाफ है ये मकामी सतह से शुरू हो जाता है, मकामी सतह से, इस तरह के हर जमात में एक काजी का ओहदा होता है जो मकामी छोटे मोटे झगड़े होते हैं
वो उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिस तरह से चोरी बताती है उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब जो समझते हैं कि ये बंदा फारग है, जो रिटायर्ड बंदा है या वैसे समझते हैं कि जरा हम में से थोड़ा सा बेहतर है कंपेरेटिवली, उसको ये काजिम करार कर देते हैं। उसके लिए बकायदा वोटिंग होती है, और फिर वोटिंग वो फिर वो भी फाइनल अथॉरिटी मुकर्रर करने के लिए, फाइनल अथॉरिटी जो है वोट भी उसमें कोई हैसियत नहीं रखते, वो खलीफा वक्त है, जो लतीफा वक्त है वो उसको मुकर्रर करता है। मजेदारी की बात ये देखें कि अगर खलीफा को खुदा मुंतखब करता है, हालांकि वोट उसको भी पड़ते हैं, बंदों के नाम पेश होते हैं उसमें, फिर वो इनका खुदा उसी तरह ही है जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा कि उस खुदा ने मुझे डाकखाना के जरिए से पैसे भिजवाए, 10 लाख मेरे पास जमा हो गए। अब ये पता नहीं कौन सा खुदा था जो 10 लाख रुपया डाकखाने के जरिए से भेज रहा था। वो आपके भी नॉलेज में है कि किस तरह ये नोटों को दो हिस्सों में तकसीम करके मनी लॉन्ड्रिंग करते थे मिर्जा बरादरान, हकीम नूरुद्दीन। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है। तो ये मतलब काजी को मुकर्रर कर दिया जाता है, खलीफा को खुदा बनाता है, हालांकि वो भी वोटों से बनता है। और जब मकामी सतह पर, जमाती सतह पर वोट पड़ते हैं किसी अमीर को, किसी सदर को, तो उसके बाद ये जरूरी नहीं है, जिसकी मोटी सी मिसाल आपके सामने अमेरिका की मैं आपको दे देता हूं, जहां मिर्जा मसूर का भाई बैठा हुआ है, मिर्जा मकफूर अहमद। अब वो अमेरिका का वो अमीर है, उसका इलेक्शन में गालबन तीसरा या चौथा नंबर था वोटिंग के लिहाज से, लेकिन फाइनल अथॉरिटी चूंकि खलीफा वक्त है, उसने अपना लतीफा जो है वो सबको सुनाना होता है कि मैं इस लतीफे को मुंतखब कर रहा हूं। जहां पर खलीफा का इंतखाब आता है, वहां पर खुदा का नाम आ जाता है कि जी खुदा खलीफा बनाता है, वो भी वोटों से है। और जहां पर इसको अमीर को या सदर को वोट पड़ते हैं, क्या उन वोटों की कोई हैसियत नहीं? वहां खुदा इनका किधर चले जाता है? यहां पर तो मिर्जा मसूर वजाहत पेश करता है कि जनाब उसका ऑटोमेटिकली हाथ खड़ा हो जाता है, खुदा ताला उसका हाथ खड़ा करवा देता है। तो यहां पर जहां खुदा खड़े हाथ करवाता है अमीर के लिए, सदर के लिए, वो क्यों नहीं मानते? ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल तो वो काजी का ये ही तरीके का है कि उसको वोटिंग होती है, फिर भी वो मंजूरी, हतमी मंजूरी जो होती है वो लतीफा वक्त से आती है। क्योंकि वो सॉरी, मैं इसलिए लतीफा कह रहा हूँ कि जितनी भी मिर्जा मसूर साहब की आप सुनेंगे, बातें सुनेंगे, वो लतीफे से कम नहीं है। जी बच्चा सवाल करता है तो आगे से कहते हैं, मतलब तकिया कलाम है इसका। वो ये सूरत हाल होती है कि बच्चे ने सवाल किया है तो कंफ्यूजन में उसको, उसका ध्यान कहीं और होता है, पता नहीं किन सोचों में वो गुम होता है, हवास भागता होकर बैठा होता है वो शख्स, और दावा ये है कि मुझे खुदा ने खलीफा बनाया है, हम आयते इस्तखलाफ के मुस्ताक हैं। अब दूसरी इनका स्टेप जो है वो, फिर जब कोई ऐसा केस जो मकामी सतह पे हल नहीं होता, उसकी अगली किस्मत जो होती है वो जाके खुलती है, वो अमूरे अमा। नॉर्मली उसमें दो दोनों स्टेप्स हो सकते हैं, या अमूरे अमा या जो कजा, जिसको इनकी ये जो इनकी अदालत है। अब अमूरे अमा मोस्टली मामला तो खा वो जायदाद के हो, खा कोई खानदानी झगड़े के हो, खा कोई जाति झगड़े के हो, कोई पैसों का लेन देन है, वो सारे मामला हैंडल करता है मुरे अमा। रबवा के अंदर ये है कि थाने अगर कोई कंप्लेंट करने जाता है तो मोस्टली उसके साथ ये सलूक होता है, वो कहते हैं कि आप जमात के बंदे हैं तो फिर आप जमात में पहले जाएं, वहां पर ये मंथलियां देते हैं लोगों को स्नब करने के लिए। वो हुकूमत की बात चौधरी साहब ने की थी, तो मैं एक मरकजी मरबी के अल्फाज आपको बता देता हूँ इनकी हुकूमत बनने के हवाले से, कि और फिजिकली भी प्रैक्टिकली भी इन्होंने साबित किया है कि अगर वो इनके हाथ माचिस लग जाए तो ये सारी दुनिया को आग लगा देंगे। नहीं ये लगेगी इंशाल्लाह, ऐसे नहीं हैं, लगेगी, इनके हाथ कुछ नहीं वो आएंगे, ये जो आया उनकी हुआ है वो भी हिस्ट्री अगर जाएगा, वो उठा भी के देख लें, जाएगा। जी जी इनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें कादियान से,
लोगों के घरों को आग लगवाना, लोगों का कत्ले आम भी हुआ है मतलब, और अंग्रेजों के जो वो इनके फेवरेट हीरो थे जिन्होंने मुसलमानों का कत्ले आम किया, वो इनके लिए हीरो थे। इसी तरह मरकजी मरबी का ये राय थी कि दुआ करें कि इनको किसी मुल्क की हकूमत नसीब ना हो, आप तालिबान को भूल जाएंगे, ये अल्फाज हैं इनके एक मरबी की, मरकजी मरबी के। तो इधर भी हम देखते हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद जब आए हैं ये रबवा की जो सूरत हाल है, तो उधर भी ये अभी इनके एक वो अलमरूफ भांबड़ी साहब, अभी भी उनकी महल 108 या 7 साल उम्र है, तो अभी जिंदा है शायद। अब मुझे क्योंकि मेरी 3-4 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी एक शादी पे, तो वो जनाब एक मौलवी पावा होता था, एक मौलवी भांबड़ी होता था इनका, ये मिल के लोगों को मतलब इवन बैतों से मारते होते थे, सजाएं देते होते थे सरेआम मतलब गलियों में बाजारों में। तो अब चूंकि जब हालात इनके अगेंस्ट हुए हैं, इसके बावजूद भी इनकी अदालतें कायम हैं, इनका मोरे आमा कायम है। मोरे आमा में सबसे बड़ी जो गेम होती है उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे हुआ है कि कोई शख्स एक फौत हो गया, तो मर्डर हो गया था उसका, तो उसके काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी रकम जो थी वो बाद में रिकवर हुई, जो लेन देन था उसका वो सारा। अब वो जितना ये लेन देन का पैसा होता है ये सीधा सलीमुद्दीन के पास चला जाता है। अब उसको बतौर मानत तो रखा होता है उन्होंने, लेकिन वो कई कई साल लोगों को उसी वो कह रहे हैं पंभीरे में घुमाई रखते हैं, उसी घुमनगिरी में इनको डाले रखते हैं, और ये पैसा खुद इस्तेमाल करते हैं। लोगों को जो बनते होते हैं, जो साबित होता होते हैं, वो भी वो अपनी बड़ी मुश्किल से उनको मिलते हैं। और उसके बाद अमोरियामा में ये अपना जो पैसा निपटा लेते हैं, अब उस पर जो अमल नहीं होता उसका भी अखराज, मतलब वो जिस तरह गांव में करते हैं ना कि हर दुआ की शिफा जो है वो एक बोतल है। आमतौर पर हमारे इधर गाँव में रिवाज है ना कि मैंने बोतल लगवाई जी, बुखार हुआ बोतल लगवा ली, हैजा हो गया बोतल लगवा ली, मतलब हर चीज की दुआ एक ही है, हर जुर्म की सजा एक ही है कि आपने का खराज है। अब आज आगे आ जाइए, ये अगला जो स्टेप होता है स्पेशली आइली मामलात में सबसे ज्यादा नजर आता है वो दारुल कज़ा है, उसमें सिंगल जज भी सुनता है और उसमें उसके बाद इनके 5 जज भी होते हैं, और उनमें मोस्टली क्या होता है कि जिसका पलड़ा भारी होता है कानूनी लिहाज से नहीं, जिसकी अप्रोच बेहतर होती है, जिसकी सिफारिश बेहतर होती है, जिसका कुछ जानने वाला होता है, और मोस्टली जानने वाला होता है कोई ना कोई, वही एक बच्ची की डाइवोर्स का फैसला है, खुला का फैसला है, उसमें उसी बच्ची का जनाब वो चचा बैठा हुआ है, दूसरा फरीक उसको चैलेंज भी कर रहा है, इतराज भी कर रहा है, लेकिन नहीं जी वो फैसला ठीक होगा, और फिर मर्जी के फैसले करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अखराज हो गया जी। वही बात कि सारी दुनिया में अखराज के ऐलान करना है, जैसे पता नहीं क्या उसने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है। तो इधर एक दफा ये मुबशर कालू और हाफिज मुजफ्फर, जब इधर मैंने अभी ये स्टडी शुरू की, इनकी तहकीक शुरू की, तो हाफिज मुजफ्फर और ये मुबशर कालू है, मैंने पहले भी बताया था। तो उसके बाद एक उस टीम के अंदर जो 10 बंदे बैठे हुए थे, उनमें एक हमारे एडवोकेट साहब भी बैठे हुए थे, जो आजकल मेरे ख्याल सदर के उम्मीदवार भी इनके। तो वो कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात सड़क पर सरेरा हो गई उसके साथ, कहते जी दार साहब आपने उसने जो बातें की हैं मेरे हिसाब से आपने वो गलत की हैं बातें, क्योंकि वो मुस्लिम मौत के वाले से बातें हो रही थी, वो उन्होंने LLB किया हुआ था। मैंने कहा समी साहब आपने ये बड़ी जल्दी कमेंट्स पास कर दिए हैं, आपने जो है वो आपने LLB किया हुआ है, कोर्ट में आप जाते हैं तो जज से जब सवाल करता है या जिरा करता है या आपसे सारा ऑब्जर्व करता है सारे केस को, तो क्या वो केस का फैसला किस बुनियाद पे करता है? वो केस का फैसला अल्टीमेटली उन कवानीन की बुनियाद पर करता है जो स्पेसिफिकली बुक्स में लिखे होते हैं, नोटेज होते हैं। कहते हैं जी बिल्कुल इसी तरह ये होता है। मैंने कहा अब मुझे आप ये जवाब दें
मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किताबें पढ़ी हुई मिर्जा साहब की? कहता जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप ये कमेंट्री किस तरह कमेंट्स किस तरह पास कर रहे हैं कि जो उस दिन बात जो हुई वो आपके खिलाफ थी? उसके बाद कुछ उसका कोई जवाब नहीं। एक शख्स ने किताबें पढ़ी नहीं हुई तो वो फैसला दे रहा कि जी आप झूठे थे उसमें। इसी तरह के और उस तरह के बंदे इन्होंने जज बनाए हुए हैं, काजी बनाए हुए हैं, उनको काजी कहते हैं ये, वो इस्लामिक टर्म में बनाई हुई है जो इन्होंने, तो दारोगजा। अब इनका ये हाल है कि दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल इनकी इन सो कॉल्ड अदालतों, अमूरे अमा हो गई या दारुल कज़ा हो गई, उसमें लोग जलील होते हैं। उसके बाद फैसला क्या होता है कि एक शख्स ने नहीं माना, किसी के पैसे हैं वो नहीं दे रही दूसरी पार्टी, क्या करोगे? अखराज, हर मर्ज का इलाज एक बोतल अखराज। अब वो बोतल लगा देते हैं, अब दूसरी जो उससे मुतासर फरीक होता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। दो साल के बाद उसके हाथ क्या आया, साल के बाद उसका हाथ क्या आया उसके, जीरो। वो फिर जीरो पे खड़ा है। जब वो फिर मुल्की अदालतों से रजू करता है, सबसे एक और बड़ी बात कि ये मुल्की अदालतों में जाने के लिए भी इनकी इजाजत जरूरी है, लेकिन हर उस बदमाश की मैं कहूंगा जो कि इनका चापलूस है, इनका खुशामदी है, उसको वो उसके लिए सारी चीजें इस्तेसना है, मुस्तसरा है वो उन चीजों से। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि वहां दो कनाल का एक प्लाट था, वो इधर एक शख्स इनकी कजाक बोर्ड का ही मेंबर है, पांच मेंबर जो होते हैं उनमें से एक मेंबर था एडवोकेट मजरपली। अब उसने 95 में केस, एक शख्स जिंदा है, उनकी जिंदगी में उसने वो केस नहीं किया, वो अपना 86 सन उसके बकौल सन 1986 में उसने प्लाट खरीदा था दो कनाल का, क्योंकि वो मेन पर था, मेन पर है और बड़ा कीमती प्लाट है। तो कहता जी 86 में मैंने ये खरीदा था, मैंने पैसे दे दिए थे लेकिन मैंने जब वो कोई ब्लैक एंड वाइट उसमें वादा नहीं किया। अब 86 से लेके 95 तक उन जो वो अमीर जिला की वफात तक उसने क्लेम नहीं किया कि जनाब मैं इस प्लाट का मालिक हूं। उसके बाद जब वो फौत होते हैं तो 96 में उसने केस कर दिया सिवा कोर्ट साहब की बात कर रहे हैं जी, ये मैं चौधरी अनवर सैन साहब की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे उनको। बहरहाल वो अच्छे बुजुर्ग थे और इंसाफ पसंद भी थे, उन्होंने उनकी जिंदगी में केस नहीं किया। जब उनके बेटे आए हैं और अदालत में भी क्या खेल खेला कि अपनी तरफ से वकील और उनकी तरफ से वकील खुद ही खड़े कर लिए, तीन साल बाद वो रिट खारिज हो गई, वो दावा जो है वो डिसमिस हो गया, फिर अपील में गए, फिर अपील भी डिसमिस हो गई। उसके बाद वो शख्स आ रहा है अब इनके पास जमाती फोरम पे इनकी मिली भगत से। तो असूल तो इनका ये है, एक मिनट डाल साहब, मतलब ये है कि वो बंदा जो मजर अली आपने बोला है वो कजा का मेंबर है जी, और जब अपना मफाद उसको अजीज था तो उसने सोचा कि मैं कजा में नहीं जीत सकता, तो वो कजा का मेंबर होने के बावजूद पहले चोरी छुपी अदालत के पास गया है, और जब अदालत से हार गया है तो फिर वापस नहीं वहां पे कुछ बना, तो फिर वापस कजा की तरफ दौड़ पड़ा है। तो किधर गया इनका वो निजाम के जो वो जो इनको कहते हैं कि जी जो ये, तो पहले यही गलत है किसी को ये कहना कि आप मुकामी सिविल कोर्ट में ना जाए, एनीवे अपना मफाद अजीज है, चाहे वो कजा से मिल जाए, चाहे वो सिविल कोर्ट से मिल जाए, चाहे वो अखलाक के दायरे के अंदर रह के मिले, चाहे अखलाक से बाहर मिले, ये कजा के मेंबर्स का हाल है, इनके जजेज का। जी जज़ाकुम अल्लाह, गो हेड प्लीज, आप जारी रखें, आप जारी रखें जी। ये कजा के मेंबर का हाल था कि वो चार पांच छह साल अदालतों में खजल होने के बाद वो फिर इनके पास जमाती सतह पे आ गया। अब जब जमाती सतह पे गया, एडवोकेट साहब इधर से वो भी जमाती अहमदी से तल्लक रखते हैं, वो पेश हुए जाके उधर, उधर से फिर उसके बाद फारग होने के बाद फिर वो जनाब उसने दोबारा केस कर दिया।
वो पढ़ना केस, जपना, पढ़ना जपना। जी वो फिर लालियां, हम मैं खुद पर्सनली जाता रहा हूँ, वो लालियां हमने कोई हिसाब लगा लें कि वो 2000 के बाद भी, 2003 चार के बाद, अभी वो 12-13 बल्कि इवन ये गालबन 15-16 तक, 2015-16 तक वो केस चलते रहे, मुख्तलिफ एप्लीकेशन देता रहा, वो सारी रिजेक्ट होती रही, गालबन कुछ 5-6 जगह पे उसकी हर चीज जो है वो डिसमिस हो गई। अब फिर वो जनाब इसी हजूरे पुर नूर जो जनाब इनके हैं, जो मिर्जा जो लतीफा खामद साहब हैं, इनकी मंजूरी से फिर एक एप्लीकेशन आ गई है कि जनाब इसकी दादरा से की जाए यहाँ पे एक मैं शेर हर ना, जगह। मुझे इजाजत दे, मैं एक शेर सुनाऊँ आपको। जी वो शेर ये है कि वो गर्दन गर्दन पोटा पोटा होता है, खरा खरा और खोटा खोटा होता है, पहले इधरों फिर उधरों फिर इधरों खड़ा है, पब्लिक परेशान है मगर लोटा लोटा होता है, पहले अदालत फिर कजा फिर अदालत फिर हजूरे पुर नूर। नूर तो आना ही है, जब इतना चंदा मुझे दे, देखें नूर कैसे आता है और चंदा ना दे तो नूर से ये चंदा नाम नूर ना से नजर आ तो नूर जाता से ये मुझे नूर कहना। से ना नजर आ जाता मुझे कहना। ये इनकी हालत ये है कि अभी इनके इंसाफ का आलम ये है, दावे हैं बड़े बड़े, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, हम खलीफा, हमें खुदा ने बनाया है, ओ बदबख्तो अपने कादियान में जाके देखो लोगों की हालत। दरवेशा ने जो कादियान थे उनका एक दरवेश इनका 7 दिन बेचारा भूखा रहने की वजह से फौत हो गया है, अल्लाह, ये है इनकी हिस्ट्री। किसकी बात कर यहाँ रहे हैं आप, किसकी यहाँ बात कर रहे हैं आप। यहाँ ताहिर साहब, यहाँ ये ताहिर साहब, यहाँ मैं दरवेशा वो ने मैं कादियान है वो जी, मैं जी मेरी कादियान की गलियां मैंने वीडियो लिंक के साथ सारी घूमी है, और रात के 12 बजे वो भी मैंने चौकीदार देखे हैं जो बेचारे 8-8 हजार की तनख्वाह पे इनके पास काम करते हैं, वो लोग भी देखे हैं जिनकी सारी उम्रें, जिनकी औलादें गल गई हैं इनकी इनकी खिदमतें करते हुए। वो तनहा हमारे चंदे से तनख्वाह है, हमारे चंदे से इनकी है कमाई से नहीं जी, है, इनकी कमाई वो से नहीं है। 8-8 हजार पे गुजारा कर रहे हैं, और इस मिर्जा साहब जो खलीफा ऑफ इस्लाम कहलाते हैं जनाब, जो लतीफा ऑफ इस्लाम है, इस्लाम तो इन्होंने बदबख्तों ने बदनाम किया हुआ है, इसकी जो गाड़ी है ये जिस पे 650 पे चढ़ता है, ये इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ी हैं, जरा इसकी मालियत का अंदाजा लगाएं, इनके प्रोटोकॉल का अंदाजा लगाएं, और ये कहते हैं कि हम हकीकी इस्लाम हैं। उन लोगों की जिंदगियां देखें जाके कि उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया है, नस्ल दर नस्ल वो लोग बेचारे जलील हो रहे हैं, वो जो और मरीज आज थे भी इनके जो पहले, इनसे, मरीज थे इनके पहले, जी वो लोग थे जिनको कहते थे कि हम आपकी नस्लें संवार देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, खुद तो इनका ख्याल अंग्रेजों ने बहुत रखा लेकिन इन्होंने अपने मरीदों का ख्याल नहीं रखा। तो ये है इनका इंसाफ का आलम है। ताहर और साहब ये ताहर साहब आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अभी ये बात हुई है, मैं सच एक बात बताऊं, मुझे कादियान से एक उन्हीं मरीदों में से, वो जो जिसको ये दरवेश कहते हैं, जो मिर्जा कादियानी के मरीद थे पुराने, उनमें उसके एक बेटे की कॉल आई, मैंने पहले भी बयान किया था। उसने कहा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारी माँ, हम छोटे छोटे बहन भाइयों को लेके, वो जो सरदार लोग हैं कादियान में, वो जब अपनी फसलें आलू की ठा लेते थे, हम जाके वो आलू चुन के आके वो आलू उबाल के हम छोटे छोटे बहन भाई खाते थे। जिनकी नस्लें इन्होंने संवारी हैं, इन्होंने उनकी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया है। जी आप कंटिन्यू रखें प्लीज, आप कंटिन्यू रखें। जी, ये एक और एक्सपीरियंस आपको मैं बयान करता हूँ कि इनकी जो शरीयत है और इनके वो माइंड सेट और इनका वो अदालती निज़ाम देखें, कि मैं जिस आईली मुकदमे में जो डाइवोर्स का था उसमें पेश हुआ, तो जो फरीके मुखालिफ था वो लड़के वाले थे, और उनकी तरफ से इनका मुरब्बी जो है नसीद अंजुम पेश हुआ,
जो इधर वाली जो लड़की वाली पार्टी थी उनकी तरफ से मैं पेश हुआ, पार्टी दोनों की जर्मनी की थी। बहरहाल अब बात यह है कि अब ये हालत देखें, जब वो अपील में केस गया जो 5 रुकनी इनका बेंच होता है, तो जज कह रहा है, जज साहब मुझे कह रहे हैं कि जनाब हाकम आया जो है वो आप किस्तों में ले लें, अच्छा नहीं हाकिम आयर किस्तों में ले लें। मैंने कहा जनाब ये आपने ये जुडिशरी बैठी हुई है, ये बेंच बैठा हुआ है इंसाफ करने के लिए बैठा हुआ है कि यहाँ पर किस्तों की दुकान है, इंस्टॉलमेंट की दुकान आपने खोल ली है। मैंने कहा ये बात क्या शरण जायज है, क्या कानूनन जायज है? उसके बाद उन्होंने फिर कोई बात नहीं की। जी मतलब ये इनकी हालतें हैं जो उसके अंदर जज बैठे हैं, ये माफिया है सिर्फ लोगों को स्नब करने के लिए, जिसका आउटपुट जीरो। जी यहाँ मैं अपना एक पर्सनल केस एक और बयान कर दूं। हमारा जमीन का झगड़ा था, मेरे स्कूल के साथ एक जमीन थी थोड़ी सी, वो अहमदिया, वो हमारे अपने अजीज हैं, वो भी इस कल्ट का हिस्सा हैं। पहले तो वो जमीन लेने अदालत में गए और वहां से जब जवाब मिल गया तो फिर दौड़े दौड़े उधर कजा में गए, तो वहां से भी जवाब मिल गया। तो मतलब ये है कि इनको अखलाकियात नाम के इनके अंदर चीज नहीं है, इनको अपना फायदा चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से मिल जाए, चाहे कजा से मिल जाए, जहां से मर्जी मिल जाए। ये जहां से भी इनको बेनिफिट नजर आता है, मजेदार की बात, एक तरफ कहेंगे जी ये मौलवी बुरा, मौलवी वैशी, और दूसरी तरफ जो है वो कहेंगे कि इनसे सियासी तौर पे तलकात बढ़ाएं। मतलब दो रुखी पॉलिसी हर जगह पे, डबल स्टैंडर्ड इनका मौजूद है। खुद ये जो खानदान है ये जो मर्जी करे, लेकिन और इनको शर्म नहीं आती। वो आज मैं पढ़ रहा था जिंद 18, अब एक नबी, सो कॉल्ड नबी, मेहदी, मसीह, जिली बरूदी नबी, फुल नबी, मतलब इवन खुदा भी उसने अपने आप को समझ लिया, वो शख्स अपना मुआवजना कर रहा है एक आम आदमी से, एक आम मौलवी से। कैसा मुआवजना है इनका? मुआवजना तो खुद ही काबिले शर्म है। जी लेकिन ये जो गुलाम अहमदी हैं, ये गुलाम अहमदी इसीलिए इस नस्बत से भी हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उस लिहाज से भी ये गुलाम कहलाते हैं, और फिजिकली भी मेंटली भी ये गुलाम है उन दौले शाह के चूह की तरह, जिनके सरों पर कड़ा बांध दिया जाता है और उनके सर वही छोटे के छोटे रह जाते हैं, जिनकी अकल सलीम डेवलप होती नहीं है। उनको एक ही बात आती है, उन बेचारों को जो सिखाई जाती है बचपन से, सुधाया जाता है कि उन्होंने वो हर मांगने वाले के पीछे जाना है, उससे रुपया लेना। तो इनके भी हालत वही दौले शाह वाली है कि इनका अब और कोई काम नहीं, दीन जो है वो कुरान है, जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये सब जाए जिधर मर्जी, लेकिन इनको पैसा जाना चाहिए, बकायादार ना कोई हो। और निजाम वसीयत पे उस दिन बात हो चुकी है हमारी लंबी चौड़ी, तो ये किसी भी लिहाज से किसी भी फोरम पे इनकी बात जो है वो करीने इंसाफ नहीं है। इनकी दालते ले ले। आप जी जी। दोनों हजरात मौजूद हैं, आप इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इनका जो चंदे का सिस्टम है उसको आप बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अदालती निज़ाम इनका ज़ीरो है, कोई इंसाफ नहीं है किसी किस्म का भी, और कोई भी इनके जमात के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि मुनज़्ज़म तरीके से काम करता हो किसी भी मामले में, सिवाय एक मामले के जो इनका फाइनेंशियल मामला है कि चंदे का जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन कोई, अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि कोई 50 के करीब किस्म के चंदे हैं, फिर उनकी कलेक्शन, उनके बाकायदा जो है वो फॉर्म बनाए हुए हैं, फलां इस चीज़ का चंदा, फलां इस चीज़ का चंदा,
तो सिवाय चंदे के क्या आपने किसी भी किस्म का और कोई इनके अंदर सिस्टम, चाहे उसका ताल्लुक मजहबी हवाले से हो, इनकी तालीम के हवाले से हो, इनकी सेहत के हवाले से हो, या इनकी अदालती जो निज़ाम है उसके हवाले से हो, कोई दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो, सिवाय चंदे के मामले के, पैसे के मामले के, क्या कोई और भी इनके अंदर ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है जिसको आप कह सकें कि चंदे की तरह ये सिस्टम इनका बड़ा मुनज़्ज़म है और इसको बड़ा जनाब ये एक्यूरेट तरीके से और उसकी जो चेक बैलेंस रख के उसको तो ये चला रहे हैं जी? उसमें जी इसमें इनका सॉरी जी आप करें नहीं, ताहर साहब आई एम सॉरी, आप करें, जज़ाकअल्लाह। जी इसमें इनका मासवाय चंदे के और कोई भी जो बेनिफिशियल सिस्टम है जिसका बराह रास्त तल्लक गुलाम अहमदी से है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो है वो बेनिफिशरी सिस्टम जो भी है बेनिफिट्स हैं वो कोई भी इनको अवेलेबल नहीं है आम बंदे को। मसलन आप एक जो गरीब अहमदी है उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक गरीब आदमी मुसलमानों से ज़कात लेके उनके ज़कात फार्म में ज़कात की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल है, उससे ज़कात लेकर वो बाज दफा वो अपना घर चलाते हैं लेकिन चंदा इनको देते हैं। इसी तरह ये बाहर भी यही सूरत हाल है कि जो चंद डॉलर या चंद यूरो या चंद मतलब जो उनका सिक्के है जो करेंसी है उनको मिलते हैं गुजारा अलाउंस के लिए है, उसमें से भी ये बदबख्त जो है वो हिस्सा लेते हैं। ये 10% है मेरे साथ 10% और ये 10% नहीं है, ये मिल मिला के मतलब आप इमेजिन करें कि एक बंदा घर में 50,000 कमाता है, अब उसके 6 या 7 अफराद हैं, अब वो सारे 6-7 अफराद के जितने भी कंसर्न चंदे हैं वो भी दे अपना भी दे, फिर उसको ये फिर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जनाब आपने अपनी आमदन सही नहीं लिखवाई, भाई किसने आपको हक दिया है आमदन पूछने का, किस शरा में मौजूद है हक पूछने का आपको? कुरान ने तो लिखा है कि ये तुझसे खर्च खुदा की राह में खर्च करने के बारे पूछते हैं, इनको कह दो कि वो कुछ खर्च कर दे अगर जो उनकी जरूरत से ज्यादा है। यहां हर आयत को इन्होंने घुमाना है और सीधा चंदे पे ले जाना है और वो आयात कभी भी बयान नहीं करते, वो आयात कभी भी बयान नहीं करते जिनमें खुदा ताला ने खुदा की राह में खर्च करने का हुक्म दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब अब आगे जो नई नस्लें हैं उनमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं उनको अवेयरनेस आ रही है। अभी रिसेंटली भी एक एडवोकेट साहब, उनका बेटा भी एडवोकेट है, उसने भी अनाउंस कर दिया है। तो ये इनकी मतलब इंटरनल पॉलिसी बस यही है कि और कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ है असल में बुनियादी तौर पे ये सिस्टम ही पैसे पे खड़ा हुआ है, पैसा इकट्ठा करने के लिए मिर्जा साहब की मजबूरी थी पैसे पे और अखराज की जुल्म से। जो सवाल करना चाहे उसकी उसका मुंह बंद करने के लिए अखराज की सजाओं की तलवार उसके सामने नजर आती है, उसको अपने बहन भाइयों का बाइकॉट नजर आता है, उसको उसका मुंह बंद करने के लिए हर तरह का जो गैर आइनी गैर शरी और गैर अखलाकी सजाएं उस पर लागू की जाती हैं और ये बेचारे बोल नहीं सकते। यहाँ मैं आपने पूछा है ये लोगों के हेल्प करते हैं, ये अहडार साहब ने जज़ाकअल्लाह इन्होंने बयान किया कि वहाँ पे इनके अपने लोग मुसलमानों की जो ज़कात मिलती है उसमें से फार्म पे उनके नाम है, रिक्वेस्ट करके वहाँ पे पल रहे हैं और इनको फिर भी चंदा देते हैं, इतनी अकल नहीं है कि सवाल करें। यहाँ पे भी ये हाल है ताहर साहब कि यहाँ पे जो वेलफेयर मिलती है आप देखें वो भी एक डोनेशन है। इन अहमदिया कल्ट के बेचारे, इनका दिमाग नहीं काम करता, इनको बंदा पूछे डोनेशन के अंदर से डोनेशन देना, ये जी वो अपनी मर्जी से देते हैं। उस बेहया को जो देता है उस बेहया को ये नहीं पता कि जिस दफ्तर से आप डोनेशन लेके आ रहे हो अगर इतने ही आपकी मर्जी आपका उससे कम में गुजारा हो जाता है
उस दफ्तर में जो कैनेडा के अंदर दफ्तर है, जो पहले गरीबों की मदद कर रहा है, उस दफ्तर पे एतमाद नहीं है? उसको बोल दो कि मेरा बाबा 500 की बजाय 550 की बजाय 500 में गुजारा हो जाता है, $50 खुद रख लो, किसी और गरीब को दे दो। वहाँ डोनेशन के $50 वहाँ से लेके मिर्ज़ा मसरूर को या इसके कल्ट को देनी है, और वो जाके अपनी याशियों में अड़ाएं और अरबी तरह घोड़े रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद गाड़ी रखी हुई है, कोई वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है पैसे किधर जा रहे हैं। इन अदारों पर तमाद नहीं है जहाँ से डोनेशन मिल रही है? उस बंदे को इतना दिमाग नहीं जार सूर सा काम करता कि अगर एक बंदा वेलफेयर का डोनेशन के मनी से देखें, एक फकीर मांग के लेके आ रहा है, वो फकीर अगर लोगों के सामने 10 रुपए मेरे हाथ पे रख दे कि लो चौधरी साहब जाके खाना खा लो, मुझे शर्म आनी चाहिए, वो तो पहले ही फकीर है। मैं अगर मैं उसके साथ जाके जल्दी जल्दी होटल से खाना खा लूं, कहूं कि फकीर ने मुझे खुशी से दिया है, तो आप क्या मेरे बारे राय रखेंगे, पहले आप ये बताएं? और जो फकीर है उसके बारे में आप क्या राय रखेंगे कि अगर पापा इतने ही सखी हो तो मांग क्यों रहे हो? ये तो अल्लाह इनको समझाए। दूसरा जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जो इनकी अदालतें लगाने का मकसद क्या है, क्या कनाडा की जो फैमिली की अदालत है जो कनाडा ने अपने शहरियों के लिए बनाई हुई है, ये उनसे अपनी अदालतों को बेहतर समझती हैं? जो फौजदारी यहाँ पे अदालतें हैं उन पे इनको तबार नहीं है? जो लड़ाई झगड़े की फौजदारी, लाइक ये इनको ये तमाशा लगाने की ज़रूरत क्या है? और अहमदिया कल्ट के लोगों को उन अदालतों से अपनी ये है ही सर, लाइक इनको अपने मुल्क से वफादार, भाई मुल्क का वेलफेयर लेनी है उस पे आप खुश हैं, वीज़ा कनाडा का चाहिए दौड़े आते हो, अदालतों पे तबार नहीं है? आपके साथ नान साफी होगी, मियां बीवी की लड़ाई हो गई है, अगर वो यहाँ लोकल पुलिस के पास जाएगा तो आपको पुलिस के निज़ाम पे अतबार नहीं है, इसलिए जाते हो उधर को? इनको कौन समझाए? ये आज भी अपने फैसले, वो जैसे पत्थर के दौर का इंसान करवाता था, आज भी अपने फैसले गैर तहरीरी, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से उन लोगों से करवाते हैं जो इनके सदके पे पलते हैं, इनकी इज्जतों को उछालते हैं, इनका अखराज करते हैं, और उनको ना कोई कानून का पता है, ना कोई उनको फैमिलीज के मसाइल का पता है, इनको वो ज़बरदस्ती वो फैसले इन पर ठोंस देते हैं और ये मुंह नहीं खोल सकते। खुदा करे, एक शेख साहब ने कहा था कि मैंने एक इनकलाब की बुनियाद रखी है, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन इनकलाब इसलिए रखी है कि लोगों में अवेयरनेस आएगी। आज लोग आवाज़ उठा रहे हैं बेशुमार। मैं दुआ करता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह दुनिया आज़ाद हो गई, बहुत जल्द हम भी एक आज़ादी का दिन मनाएं, लोग अपने हकूक के लिए, इस अहमदिया कल्ट के जो लोग हैं ये अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाने के काबिल हों। और जिस दिन आप इनके अदालती निज़ाम के खिलाफ सवाल शुरू कर दें, इनके वसीयत के निज़ाम के खिलाफ सवाल शुरू कर दें, इनका जो ये चंदे का ज़ालमाना निज़ाम है इसके खिलाफ सवाल शुरू कर दें, इनकी अखराज की सजाओं के खिलाफ सवाल, सिर्फ सवाल शुरू कर दें, ये कल्ट ख़त्म हो जाना है। इनके पास कोई कानूनी, कोई आइनी, कोई अखलाकी जवाब है ही नहीं। और मिर्ज़ा कादियानी की तलीम के जो हवाले हम दे रहे हैं, अगर आप एक एक हवाले के ऊपर सवाल शुरू कर दें तो फिर और उसको चौथा गेयर लग जाएगा ख़त्म होने में इनको। जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। असल में आप लोगों ने जो हकायक बयान किए हैं, ये इल्ज़ाम तो आता है ना आप जैसे मौलवी पे, ताहरा मडार साहब जैसे मौलवी पे और मेरे मौलवी पे, कि देखें ये जमात की मुखालफत में ये मौलवी लगे हुए हैं। जमात तो फैल गई है, ये 125 साल हो गया, 150 साल हो गया, ये कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगी जमात, तो फैल गई पूरी दुनिया में, तरक्की कर रहे हैं हम, मौलवी ये मौलवी वो। हालांकि ये हम जो कहते हैं कि ये कारोबार है, ये हम नहीं कहते, ये कारोबार इन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद बनाया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किताबों के नाम पे लोगों से पैसे लिए और वापस जिन्होंने मांगे और कहा कि भाई आपने हमसे पैसे, उनका हक है भाई, ये आप नबूवत का दावा छोड़ दो, मसीहत का छोड़ दो, एक किसी भी महज्जब माशरे में एक आम इंसान कोई भी, उस पर ये लाजिम है अगर उसने किसी का कोई
चीज देनी है, उसके पास किसी की कोई अमानत है, कोई कर्ज देना है, वो उसको लुटाने का पाबंद है। कोई मुआशरा भी इस चीज को पसंद नहीं करता कि आपने किसी से कोई चीज ली है, अमानत ली है, तो उसको आप वापस ना करें। जो वादा किया उसको आपने पूरा करना है, आप उसके पाबंद है। इसने किताबों के नाम से पैसे लेके जब उन्होंने कहा कि भाई ना आपने किताबें जो कहा था वादा किया था ना वो छापी, ना जनाब हमारे पैसे आप वापस दे रहे हैं, या हमारे पैसे दो या किताबें दो, ये आगे से मोटी मोटी गालियां उनको निकाल रहे हैं। और फिर अपने मुरीद को जो खत लिख रहे हैं बकायदा मिर्जा गुलाम कादरी, हमारे पास वो खतूत मौजूद हैं कि जनाब ये आप ऐसे बंदे ढूंढे जिनकी नज़र जो है वो किताबों पर ना हो, यानी कि किताबों का मुतालबा ना करें, बस पैसे देने पे जिन वाले जो हों पैसे दे के वो भूल जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों का तकाजा करते हैं, उल्लू के पट्ठे, तुझे पैसे दिए किस लिए, तू मोहताज है कोई, तुम्हारे दिल में सुराख है या तुम्हारा कोई गुर्दा नहीं काम करता, तू काम काज कर अपना और उसमें जाके अपना कमा और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल। ये तुम लोगों से पैसे लोगे, ये मैंने किताब छापनी है इस्लाम की मदद के नाम पर लोगों से पैसे लोगे, तो जिस नीयत से जिस बंदे ने एक पैसा भी दिया है वो तुझसे हिसाब लेने का मजाज है, वो तुम्हारा गिरेबान पकड़ सकता है कि भाई मुझे बता 50 किताबों का वादा किया था मैंने, एडवांस तुझे पैसे दिए, दूसरे दोस्त अहबाब से मांग के दिए। जो सब शर्मिंदगी होती है कि चलो एक बंदा, मैं खुद तो फंस गया हूँ इसकी चिकनी चिड़ी बातों में। मैं आपसे भी कहता हूँ जो सब बंदा बड़ा इस्लाम की खिदमत कर रहा है, आप भी जरा तावन करें, 10 किताबों के पैसे आप दे देते हैं, 5 किताबों के तारा मंदार साहब दे देते हैं, जब वापस भी नहीं कुछ मिलता, किताबें नहीं मिलती, मेरा तो जो ग्यास हो गया, मैं तो आप लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। और फिर वो जैसे कहते हैं कि जाते चोर की लंगोटी से ही, तो मैं अपनी कुछ इज्जत बचाने के लिए यही कहूंगा ना अगले बंदे को, यार पैसे ही मोड़ दे चोरी साहब दे, ये किताबा नहीं लिखनी आते। जब वो भी नहीं होगा तो इस ऐसा फिर बंदा आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दे कि हराम की औलाद जो हराम के नुतफे जो है वो हमसे पैसे मांगते हैं, तो फिर ऐसे बंदे कुछ जो है वो छतरौल के काबिल है। फिर उसको कजाब जाल ना कहें तो और क्या कहें। बेटा जो है इसका, वो जब स्कूल में दाखिले के लिए गया तो वो जिस तरह तरीकाकार होता है स्कूलों में, वो कवायफ जमा करते हैं भी, आप बाप का नाम क्या है, कारोबार क्या करता है और कहाँ रहते हो, तो वो कवायफ जमा हो रहे हैं। तो उसने पूछा कि जनाब ये इसके वाल साहब क्या काम करते हैं, पेशा क्या है उनका, तो इन्होंने लिखाया जी मेरे वाल साहब का पेशा है नबूवत। ऐसे ये कजाब और दजा, आज हम इनको कहें कि ये पैसा है, ये कारोबारी जमात है, ये कारोबार बनाया हुआ है, हमें कहते हैं मौलवी ये तो मौलवी वो, तो मौलवी तो मुखालफत कर रहे हैं। और तुम्हारे बड़े जो बड़े तुम्हारे बाबे गुजर गए हैं वो खुद लिखवा के आए हैं, गवर्नमेंट बरतानिया के जो स्कूल थे उनमें रिटर्न दे के आए हैं कि मेरे बाप की जो जो पेशा है वो नबूवत है। हमें तुम लोग कहते हो कि हमने जो है वो गलत काम कर दिया, उन बड़ों बाबों से पूछो जिन्होंने नबूवत पेशा लिखवाया हुआ है, तो हमने पेशा ही कहना है और क्या कहें हम। इधर आके जनाब ये लंगूर लगे होते हैं कमेंट्स में, हमारे मुसलमान भाई भी जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, उनको जवाब देना शुरू कर दे, इनको कतन जवाब ना दे, मुंह ना लगाएं इनको, ये इस काबिल ही नहीं है कि इन लोगों के लिए आप अपना एक कमेंट भी जाया करें। इन लोगों की तलीम और तरबियत में सिवाय गटर के, गंद के, गाली के, गलोच के, बकवास के कुछ भी नहीं है। मिर्जा गुलाम कादरी जब उसने इतनी मुकद्दस हस्तियों को नहीं बख्शा, उसने सारी जिंदगी मुसलमान को नहीं बख्शा, उसने ईसाई को नहीं बख्शा, उसने हिंदू को नहीं बख्शा, उसने ऐसी ऐसी गंदी गालियां दी हैं, बहुत सारी गालियों का वो मौजद है, इजाद की है उसने, उसको तो बकायदा कोई इनाम मिलना चाहिए। ये जो इजादात होती है ना कि ये देखें फलां साइंसदान ने बड़ी उम्दा इजाद की है, उसको नोबल प्राइज मिला है, नोबल से भी बड़ा कोई कुछ चवल प्राइज हो तो वो इसको देना चाहिए, मिर्जा गुलाम कादरी को, इसकी इन जो तख्लीकात जो गालियाँ इसने तख्लीक की हैं। तो जब इनका नबी ऐसा हो उनके उसके उम्मतियों से उसके फॉलोवर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, जब भी प्रोग्राम हो आप जो हमारे अहबाब जो होते हैं हमारे स्पीकर्स उनकी बात को तवज्जो से सुना करें, इनको इग्नोर किया करें, इन्होंने गाली ही देनी है, ये अपनी असलियत दिखाते हैं। ये गाली ना दें तो और क्या कर सकते हैं बेचारे, और कुछ है नहीं इनके पास, इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। हम यहाँ बयान कर रहे हैं, डार साहब बयान कर रहे हैं हकायक, भाई इतना हम झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारा अखराज चौरी साहब का हो गया, डार साहब का अखराज हो गया है, उन्होंने खुद नहीं छोड़ी, वो इतने तुम सच्चे हो, हम लिंक देते हैं आके लाइव बात करो हमसे, इतनी हिम्मत होती नहीं है, कमेंट्स में आके ये हो गया तो वो हो गया, इतनी अगर तुम में हिम्मत है, इतना ही हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ कर, या चोर साहब झूठ बोल रहे हैं, डार साहब झूठ बोल रहे हैं, या गलत बयानी से काम ले रहे हैं, कुछ गलत हकायक बयान कर रहे हैं, तो ये अपने क्या कहते होते हैं वो अमर नजीर भाई, लतां ते भार पाओ, लतां ते भार पाओ और इधर आओ लाइव में आके हमें बताओ कि भाई ये गलत कह रहे हो, ये प्रूफ है, ये गलत कह रहे हो, ये तुम हकायक से हट के बात कर रहे हो, तो कमेंट्स में आके
जो तुम गालियां निकालते हो ये तुम्हारी बेबसी का सबूत है कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते, ना हमारी बात कर सकते हो, ना तुम्हारे पास अपनी बातों की, अपने मजहब की, अपने कल्ट की सच्चाई के लिए कुछ है। फिर बाकी गालियां रह जाती हैं, तो मुसलमान दोस्तों को इनकी मजबूरी समझनी चाहिए कि सिवाय गालियों की इनके पास क्या है, क्या ये कोई दलील दे सकते हैं या लाइव आके बात कर सकते हैं किससे? ये दोनों ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर एक तीसरी ऑप्शन गालियों की रह जाती है, तो वो बेचारों को करने दिया करें। मिर्ज़ा गुलाम कादिनी को मानकर ये इन्होंने इस दुनिया में यही तो कमाया है, गालियां देनी और गालियां सुननी। लानते ही इनके नसीब में लिखी हुई हैं, 224 मुल्कों में ये भीख मांग रहे हैं, तो इनको मांगने दें, आप इनकी बातों का गुस्सा ना किया करें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एस ए चौरी साहब के, ताहरा मडार साहब के, बड़े ही दर्द दिल से वो इस कल्ट के हकायक बयान करते हैं। चौरी साहब ने ना तो कोई तनख्वाह लेनी है यहाँ पे आके, ना डार साहब ने कोई तनख्वाह लेनी है, ना हमने कोई तनख्वाह लेनी है, ना चौरी साहब को कोई लालच है, ना डार साहब को कोई लालच है, ना मुझे कोई लालच है। ये जितने भी मेहमान आते हैं इनका मकसद सिर्फ ये है, एक दर्द दिल लेके आते हैं कि जनाब अपना टाइम, कीमती टाइम आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। वो खुद उनके फैमिली के मैटर्स हैं, उनके अपने मामलात हैं, कारोबार हैं, उनके काम करने होते हैं, सारे मामला छोड़ के वो टाइम निकाल के आते हैं इन अहमदिया कल्ट में फंसे हुए लोगों के लिए। हमारे लिए वो नहीं आते, ना वो मेरे लिए आते हैं, ना किसी मुसलमान भाई के लिए आते हैं। हम, हमारे साथ बातचीत करनी हो तो हम अपने पर्सनल में कर सकते हैं, ये यहाँ पे आते हैं अपना टाइम निकाल के सिर्फ अहमदिया कल्ट में फंसे हुए लोगों के लिए। इनकी बात तवज्जो से सुना करें, अगर ये गलत बयान करते हैं, कुछ बात हकायक से हट के बयान करते हैं, आप इनको लाइव आके इनसे सवाल कर सकते हैं, चौर साहब आपने ये जो बयान बात बयान की इसका सबूत दें हमें। इनकी बातों को गौर करें, फिक्र करें, जब तक सांस बाकी है चांस बाकी है, सांस ख़त्म होगी तो आपके पास कोई चांस नहीं रहना। ज़िंदगी में अपने अकायद की पड़ताल कर लें, मिर्ज़ा साहब की जान छानबीन कर लें, उसको जान पहचान लें, ऐसा तो नहीं है जो सारी दुनिया उसको कजाब कर रही है, क्या मामला है, कुछ जांच पड़ताल करके अपनी आखिरत संवार लें। 4 दिन की ज़िंदगी है इस कल्ट के पीछे लग के, जो इन्होंने आपके पट्टी बांध दी है वो आपने उतारनी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी हकायक को समझ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब का। आखिरी जो पैगाम आप देना चाहें दोनों अहबाब, उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जी ताहर साहब आप। जी जी चौसर जजाकला, पैगाम यही है कि ये जारसूर भाई ने बहुत अच्छी बात की है, कोई हमें किसी से इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है कि हम लोग जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चैनल्स पे आके ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस मज़हब को जिस एक सो कॉल्ड नबी इमाम मैदी, मैदीयत के दावे से तो वैसे ही मुनकर है वो शख्स, इनकी जो जिल्द 21 है और नुज़ूलुल मसीह जो है ये वो 2 रिसाले हैं, चश्मे मारफत भी बल्कि मरहले इनकी वफात के बाद ही इशात हुई है, ये जो 2 किताबें हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 5, ये भी मिर्ज़ा की वफात के बाद शाया हुआ है, और जो नज़ूलुल मसीह जो एक रसाला है वो 1909 में शाया हुआ है, क्योंकि इन दोनों रसालों में सबसे ज़्यादा जो जिनको चबड़े कहते हैं ना वो इन्हीं 2 रसालों में, और इन्हीं 2 रसालों से ही इनकी सारी जो है वो हकीकत खुल जाती है। उनको इन्होंने मिर्ज़ा की ज़िंदगी के बाद इशात की है, तो उस लिहाज से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अहमदिया कल्ट के खड़पैंच हैं, जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद दूसरे फिरकों के लोगों को खड़पैंच कहता है, इनके जो खड़पैंच हैं ये कभी भी आपको सही बात नहीं बताएंगे। मेरा इनको एक मोटा सा सवाल है और ये सली कर लें कि जो शख्स अपनी सवाने हयात में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि कादियान एक किला था, उसके 4 बुर्ज थे, उसमें 1000 फौज थी, उसके दादा जो हैं वो 1000 फौज के सामने खड़े होते थे, कोई उनको मार नहीं सकता था, उन पर बंदूक का गोला असर, बंदूक की गोली असर नहीं करती थी, उन पर तोपा गोला असर नहीं करता था, वो शख्स किस कदर झूठा होगा। मैं कहता हूँ कि एक भी कादियान, एक भी शख्स इस अहमदिया कल्ट से ये साबित कर दे कि कादियान एक किला था,
जिसकी स्पेसिफिकेशन मिर्जा ने अपनी दो किताबों में लिखी हुई है, तो हम लोग मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चे मान लेते हैं और इनके लिए हदायत की दुआ है, इनकी किताबें पढ़ें, इनके झूठ देखें। जो शख्स जाती जिंदगी में झूठ बोलता है, जो शख्स झूठा हलफ उठाता है, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? क्या वो खुदा का नबी हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। बस यही मेरा पैगाम है कि इनको अपनी जो जिस दायरे में घूम रहे हैं, उस दायरे की दीवारों से जब इनकी टकरें लगती हैं, तो उसको ज़रूर उस पर गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं। तो खुदारा इनकी किताबें पढ़ें, इनके हवाला जात चेक करें, इनके एक आगे दो सफ़े आगे दो सफ़े पीछे नहीं, इनकी सारी सारी किताबें बेशक पढ़ें। अगर वो नफ्स मजमून ना हो, जो बातें जो एतराज़ात इन पर उठाए गए हैं वो बैन ही उसी तरह ही हैं। कोई चीज़ मौलवी झूठ नहीं बोल रहा इन पे, सब कुछ सच है, बिल्कुल सच है। ये मुआजना इनको करते हुए शर्म आनी चाहिए कि एक नबी और एक मौलवी का मुआजना जब करते हैं, और मौलवी तो फिर भी सच बोल रहा है, इसने तो अपनी जाती जिंदगी के बारे में सच नहीं बोला इस शख्स ने, इसके बारे में जरूर सोचें। जाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। हमारे साथ जो है शामिल हुई है इस्लामिक सिस्टर है हमारी, ये भी इस कल्ट को छोड़ के आई हैं, ये भी कुछ अदालती निज़ाम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, तो हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया बहन, आप तशरीफ लाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो था, मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं लाजमी आऊंगी इसमें बोलूंगी। ये हमारे पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरी चंद मेरी क्लोज फ्रेंड और मेरी कजन्स के साथ ऐसे हुआ, अमेरिका में केस हुए, कनाडा में केस, ऐसे कि उन बेचारे हर देखें हर एक की जिंदगी में ऐसे मसले आ जाते हैं, वो किसी तरह से अगर शादी नहीं चल पाती, तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बता रहे हैं यासर चौधरी साहब खासतौर पे, कि उनको परमिशन ही नहीं है कि वो बेचारे इधर कनाडा जैसे कि अमेरिका जैसी जगह में रहते हुए गवर्नमेंट के साथ रब्ता उसकी अदालत में जाएं, केस वहां जाए। वो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपका हस्बैंड जो कमाता है, अगर आप खुला डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपकी हस्बैंड की 23-40% जो तनख्वाह है वो पे चेक में से कट के डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया करेगी, बच्चों का खर्चा आपका खर्चा सब चलेगा उससे। लेकिन ये अहमदिया कल्ट में क्या करते हैं कि हम अपना खुद हजूर के पास खत जाएगा, हजूर यानी के खलीफा साहब के पास, वो जनाब जी केस चलता है कितने महीने उनकी अदालत जो कहलाती है, उससे ये होता है एंड में आके फकत $200 महीना, इस महंगाई के दौर में $200 महीना देते हैं, जो वो ये कहे जी बच्चों का खर्चा अगर तलाक हो जाती है, वो जमात के थ्रू तलाक होती है, $200 आपकी एक वीक की ग्रॉसरी भी नहीं बनती, ये आप ऐसे चौधरी साहब से पूछ सकते हैं। और क्या होता है, जबकि दूसरी जगह अगर आप कैनेडियन जो गवर्नमेंट के जरिए आपका केस चलता है, उसमें एटलीस्ट आपको $1,300-1,400 आता है। अगर आपका हस्बैंड 3,000 कमाता है, उसकी तनख्वाह के ऊपर डिपेंड करता है, और वो डायरेक्टली आपके पास आपका हक है कि आप उनकी जो जिस जगह आपका हस्बैंड काम करता है उस कंपनी का नाम, वहां पे जॉब पे उनको फिर लेटर जाता है जी ये आपका बंदा फलां जो काम करता है, अब इसका केस अदालत में चल रहा है, इसकी आप हमें सारे क्वाइफ ये हमें दें, आज से अब ऑटोमेटिकली उसके पे चेक में से ये जो मंथली पेमेंट कटेगी और इसकी बीवी और जो बच्चे हैं अब ये इनका खर्चा लग जाएगा, ठीक है। वो बेचारी उससे हाथ धो बैठती है, वो फिर क्या होता है कि बेचारी को दो दो जॉबें करनी पड़ती हैं, नाइट की डे शिफ्ट बच्चों का अपना खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि $200 में तो कोई चुपेड़ भी नहीं मारता आजकल के दौर में, ये बात। अच्छा सिस्टर, आप जो बता रही हैं ये $200 का, ये क्या फिक्स है कि जो भी? हाँ जी, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, चाहे खामंद आपका, हाँ जी, चाहे आपका हस्बैंड $1,00,000 साल का कमाता है या $50,000 कमाता है, ये ट्वीक फिक्स्ड है, मैक्सिमम चाहे आपके दो बच्चे हैं या 10 बच्चों की फौज है, आपको सिर्फ $200 जमात लगवा। ये किस किस्म का जुल्म, किस किस्म का जुल्म है? और एक और बात जी, जिन लोगों भाई से एक और बात, फ्यूचर में चंदे लेने हैं उन लोगों, या जाहिर है बच्चे बड़े होकर चंदे देंगे, उनकी ये परवरिश करने के लिए भी उनको ये मतलब कि क्या बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं ये लोग, क्या? और एक आप बात जारी रखें सिस्टर। जी जी सॉरी, और ऐसे चौधरी साहब को मेरी तरफ से सलाम, मुझे मालूम नहीं है वो कनाडा में किस सिटी से है, बट मैं ये पूछना चाहूंगी, शायद इनके इल्म में भी होगा, यहाँ पे है पीस विलेज ओंटारियो का इलाका, जो
उसमें जी हर दूसरे मर्द ने, दूसरे मर्द ने, तीसरे ने दो दो शादियां की। यहाँ कैनेडियन लॉ के मुताबिक आप अपनी एक बीवी के होते हुए, डजेंट मैटर आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आपको मियाँ बीवी जब शादी करनी हो, आपको पहले इधर सिटी हॉल जाना होता है, वहां से शादी करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस लेके आप अपनी मस्जिद है, आपका चर्च है, आपका हिंदू जो भी है टेम्पल है, वहां वो लाइसेंस लेके जाएं, वो फिर आपका निकाह पढ़ाएंगे या आपके दो बोल पढ़वाएंगे। फिर वो जो उस मस्जिद का इमाम है, वो आपकी शादी का जो प्रूफ है वो फिर गवर्नमेंट को भेजती है कि आज से ये शादी रजिस्टर हुई, ये आज से मियाँ बीवी है। यहाँ क्या चक्कर है, छुप छुपा के बीवियां बेचारी इतने जुल्म में रह रही हैं, पूरे पीस विलेज भरा पड़ा है ऐसे केसेस से। वो छुप के अपने जो के इनके मतलब मुरब्बी साहिबान है, जैसे भी मैं कहूँ, उधर जाके शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर ली, तीसरी मन में आए ये इस्लाम में तो हुक्म हम शादी कर सकते हैं। लेकिन अब वो क्योंकि इलीगल, देखो अब यहाँ पे भी कानून का वो पासदारी नहीं करे, क्योंकि बाय लॉ कनाडा के लॉ के मुताबिक आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, पर ये कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो आपका निकाह पढ़ा देते, तो उनको कोई केयर नहीं है कि आप सिटी से परमिशन का, परमिट शादी करने का नहीं लेके, क्योंकि अगर आप लेने जाओगे वो आपसे पूछेंगे, ओ आपकी तो ऑलरेडी शादी हुई हुई है, क्योंकि यहाँ हर चीज का रिकॉर्ड है। फिर वो क्या करते हैं, गाड़ी, वो अपना जो शादी है जाहिर है बगैर परमिट के कर रहे हैं, आप किसी से निकाह पढ़वा लें, उससे ये चक्कर होता है कि आपकी शादी तो हो जाती है इनके नजदीक इस्लामी कली, पर आप अपनी जो दूसरी बीवी ब्याही है वो आप रजिस्टर ही नहीं कराते यहाँ के कानून सिस्टम में। कल को जब उसकी लाइफ में ऐसा मुकाम है, अगर शादी नहीं चल रही या खावन मर जाता है, उसका जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर उस बेचारी और ये दूसरी बीवी में से होने वाले बच्चों का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो कानूनी तौर पे अवल तो कानून के पास ले जाते नहीं कोई केस, तो ना ही वो कैनेडियन सिस्टम के तौर तहत उस खावन की जायदाद के हकदार हो पाते हैं। ये मुझे खुद खुद दो खवातीन का मैं केस जानती हूँ, और ये पीस विलेज के अंदर हुआ, ठीक है। और ना ही वो अपने इस्लामिकली तौर पे कर सकते, क्योंकि वो तो मतलब है ही नहीं, जहां पे जो कानून चल रहा है कनाडा का उस हिसाब से तो बेचारी कहीं पे भी उसका रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ हुआ कि ये इसकी बीवी है। वो अपने आप को जब कहीं पे भी एप्लीकेशन जॉब भरने के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं जी आर यू मैरिटल स्टेटस, वो लिख ही नहीं सकती आई एम मैरिड, क्योंकि वो प्रूवन ही नहीं हो सकता जब वो उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया शादी को। तो ये चक्कर है, बेचारे जब वो फिर दुनिया से अगर खावन चला गया तो बेचारी उसकी ना ही प्रॉपर्टी में जो इधर हाउस खरीदा हुआ पीस विलेज में, यहाँ पे भी उसमें भी उसका कोई हक नहीं, ना उसके बच्चों, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई भी शादी। तो ये चक्कर है, वो अपने अंदर ही अंदर इनका अपना सिस्टम है, चाहे बीवी मार पीट खा रही हो अपने हस्बैंड से, उसको ये हक नहीं है कि वो जाके किसी गवर्नमेंट के अदारे में बोल सके, कहे कि जी मैं जुल्म सह रही हूँ, मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझे मारे पिट रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं जी आप अपना केस जमात के पास क्यों नहीं लेके गए, अब आप अगर लेके नहीं जाओगे आपको हम वार्निंग का लेटर भेज रहे हैं, अगर नहीं तो आप जमात से आपका इखराज हो जाएगा। यहाँ तक उनको धमकियां दी जाती हैं, यानी आप बस जुल्म सहते रहो और मारे पीटे खाते रहो। और मेरी एक कजन के साथ, वो बेचारी इतने तकलीफ में थी कि वो तो जहां पे मतलब फिर उसने कहा कि मैं पुलिस बुला लूंगी नेक्स्ट टाइम, तो आगे से जमात के जो अहदेदार थे उन्होंने कहा बस अल्लाह के सब्र करें, शुक्र करें, अल्लाह से दुआएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें। कोई उसने कहा मतलब मैं कनाडा के अंदर हूँ और मैं इतनी ज्यादा मार, मैं किस किस हक में क्यों मैं खाऊं, है ना। तो आगे से वो कहने लगे नहीं आप बस अल्लाह से, बस हर का नसीब होता है, यानी अच्छा नसीब होता है आप मारपीट खाते रहो, क्यों भाई, बात तो ये है क्यों, लाइक इस तरह का जुल्म है ना कि तोबा है। शुक्र अल्लाह ताला का कि अभी ये मतलब नीचे कमेंट्स में लिख रहे होंगे लोग, हर वक्त यही मेरे ऊपर बकवासियां छोड़ते हैं, भाई ये इनका यकीनन इखराज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इखराज नहीं हुआ, मैं अपना फुल नाम नहीं आपको बता रही, लेकिन जमात में अभी भी मेरा वो कोड अभी भी चलता है। वो अलग बात है कि मैं खुद ब खुद छोड़ चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यानी मैं यहाँ पे ग्रो अप हुई हूँ, मुझे ये चीजें सारी ना बहुत ज्यादा उलझन देती हैं। इस जैसे कंट्री में भी आके आप वही जैसे एस एस चौधरी साहब कहते पत्थर के जमाने वाला इंसान आप बने रहो, हद है, जुल्म की इंतहा है। यानी आप सोचो इतने महंगाई का दौर है यहाँ पर, आराम से जो आपका हर कोई यहाँ पे 3-4 हजार डॉलर कमाता है, झूठ है कोई कहे कि नहीं हम नहीं कमाते,
और उसके ऊपर आप सिर्फ $200 दे के बीवी और एक बच्चों की फौज को छोड़ दो और आप सिर्फ कहो जी $200 पे गुजारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जज़ाकअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप तशरीफ लाएं। ये भी एक जुल्म की दास्तान है जो हमारी बहन बयान कर रही थी। हमारे साथ माशाल्लाह बाबर भट्ट साहब भी तशरीफ ला चुके हैं कनाडा से, तो अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, इनका भी एक्सपीरियंस जो है वो हम शामिल करते हैं क्योंकि ये भी इस कल्ट का हिस्सा रहे हैं कभी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल साहब मुझे ऑनलाइन स्ट्रीम में लेने के लिए। मैं भी बहन की बातें सुन रहा था और बहन ने 100% सच कहा है, 100%। ये सिटी ऑफ वान में प्रोबेबली रहती हैं और ये नॉर्थ है टोरंटो का, और वहाँ पे ये पीस विलेज है। इन्होंने उन घरों में भी खुर्द बुर्द किया जो घर बनाए थे, और उसमें एक मरबी भी इनका पकड़ा गया था, एक कनाडा का कोई अहदेदार था, तो घर उसने बिल्डर से बनवाए, उसमें भी उसने फ्रॉड किया, और इन्होंने वो एक जगह ले के घर बनाए, इनका बैतुल हमद है, उसके आगे पीछे किसी का नाम जफरुल्ला स्ट्रीट रखा, किसी का तायर स्ट्रीट। तो वहाँ पे इस तरह के केसेस हुए हैं। कनाडा के कानून के मुताबिक वाकई आप सिर्फ एक बीवी रख सकते हैं, और ये जो पोली मैरी है या जो ज़्यादा एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं उनकी ये इजाज़त नहीं देते। तो होता क्या है, इनके हाँ मसाइल तो बड़े हैं कि लड़कियाँ घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते मिलते नहीं हैं। इन्होंने खुद इस कल्ट में फंस के अपनी चॉइस को बहुत महदूद कर लिया है। अगर ये इस्लाम में रहते तो आज इनकी बेटियों के ये प्रॉब्लम ना होते, जब रिश्ते नहीं उनके होते। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको इन्होंने दबाया हुआ है। ये चीख कभी निकली तो दुनिया सुनेगी। अभी तो लड़कियां खामोश हैं और घरों में बैठी हुई हैं और उनकी उम्रें बढ़ रही हैं, तो फिर होता क्या है कि ये लोग उन की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी शादी जो होती है ये इन्होंने खैर शरीयत पे क्या अमल करना है, तो ये शरी शादी करते हैं, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। जब वो शादी रजिस्टर्ड नहीं होती तो बीवी को कोई हकूक नहीं मिलते, वरना अगर शादी रजिस्टर्ड हो तो बीवी आपकी सारी जायदाद में आधी की हकदार होती है। अगर आप डाइवोर्स भी उसे करें तो वो, अगर आपका घर है मिसाल के तौर पे $10,00,000 का है या $8,00,000 का है, जहां से ये बहन बोल रही है और जिस शहर का ये जिक्र कर रही है, वहां पे एक घर की कीमत तकरीबन $8,000-$10,000 है, $8,000-$10,000, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उसमें वो आधी की हिस्सेदार होती है अगर वो कानूनी शादी हो। तो ये करते क्या है, कानूनी शादी करते नहीं है, रजिस्टर उसको कराने नहीं देते और हुकूक उसके होते नहीं है। तो बाकी जो जुल्म की ये दास्तान है ये चल रही है और चलती रहेगी। इनको अब दलेरी करनी होगी। जिस तरह ये सिस्टर आई है, मैं इनकी इनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, मैं इनकी इनकी जुरत को सलाम करता हूँ कि ये यहाँ पे आके इन्होंने बिल्कुल सच बोला है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मैं भी दोबारा आता हूँ, असल में मेरा बेटा है साथ, मेरा बेटा है वो जरा मुझे तंग कर रहा है। मैं दोबारा इंशाल्लाह, मैं भी आपको ज्वाइन किया हूँ, मैं दोबारा बात करूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथ कुछ और साथी भी शामिल हुए हैं, उनको शामिल करते हैं, कुछ शायद आपसे सवालात करना चाहते हैं। जट चौधरी साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िया भाई आवाज़ क्लियर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तमाम भाइयों को सलाम, तमाम समय सलाम मेरी तरफ से, और शहदाए करबला को क्योंकि दिन उनका गुजरा, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आवाज आ रही है चोर साहब आपको? हेलो जी 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 हेलो। अच्छा, मैं ये आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो जस्टिस सिस्टम किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी सोसाइटी में डेवलप किया जाता है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल। उनके अंदर एक होता है रिकॉर्ड कीपिंग, जो एस ए चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, और जो भी जस्टिस सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता ना, उसको लीगल और जस्टिफाइड सिस्टम नहीं माना जाता। अब कादियानियत को जितना हम स्टडी करते हैं ना, उसके वाले से मैं एक थोड़ा सा मजाक के उसमें अंदाज में एक बात कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने हर चीज़ का इस्तियारा निकाला हुआ है ना, मुझे लगता है अदल और इंसाफ का भी इन्होंने कोई नया इस्तियारा निकाला हुआ है।
वो इस्तियारे के रंग में इनका कुछ अदल होता है और कोई इंसाफ होता है। एक चीज़ जो इस हवाले से और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब किसी भी जगह पे जुर्म को डिफाइन किया जाता ना, अगर जुर्म अलग अलग हो, उनकी नोयत अलग हो, तो उनकी सज़ाएँ भी अलग अलग होती हैं। ये नहीं होता कि तमाम तरह के जराइम की जो सज़ा है वो एक ही हो, जो ये डिस्कस हुई है आज के जी कोई भी जुर्म करो आपको जो है वो कादियानियत से, अहमदिया जमात से जो है वो निकाल दिया जाएगा, इखराज हर जुर्म की सज़ा बन गई है। तो ये नहीं होता, जुर्म की नोयत के हिसाब से उसकी सज़ा डिफाइन की जाती है, डिसाइड की जाती है। और एक मैसेज में अपने तमाम इनकी सज़ा जो है वो डिफाइंडेड है ऑलरेडी, वो उन्होंने तय की हुई है जनाब अखराज। और जिस तरह आपने कहा कि ये इनका कोई इस्तारा होगा, वो बिल्कुल इस्तारा है, मुझे पता है उस इस्तारे का। जिस तरह होता है ना ये पाकिस्तान का निज़ाम अदालत, हिंदुस्तान का निज़ाम अदालत, बरतानवी निज़ाम अदालत, तो इनका है कादियानी निज़ाम जलालत। ये जलालत ही जलालत है इस निज़ाम में, ये इस्तारा है इनका। सही हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ना, मैं कुछ और भी भाइयों के जो हमारे मुसलमान भाई अक्सर ये कमेंट्स में बात कर रहे थे, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ना हम बज़ाहिर टॉन्ट करने के लिए कि जी ये लाश की जय, ये जो जय का लफ्ज़ है ना ये जिंदाबाद के टर्म में मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। और अगर आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स को पढ़ें तो किसी भी झूठे खुदा की को जिंदाबाद कहना जो है ना इसके ऊपर हुक्म लगता है। तो मेरी तमाम जो मुसलमान सुनने वाले हैं जो कमेंट्स में इस तरह के अल्फाज लिखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अल्फाज मत लिखा करें। यलाश की कह कह लिया करें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद यलाश की कह। जी बिल्कुल 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 ये कह लिया करें, क्योंकि असल में हम जो है ना वो मुकाबलेबाजी के चक्कर में गलत अल्फाज बोल बैठते हैं और हम अपने ईमान के लिए ख़तरा बना बैठते हैं इस चीज़ में। तो एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लफ्ज़ जब तक मुंह के अंदर हैं तब तक ठीक है, जब बाहर निकल आए तो फिर वो तलवार बन जाते हैं दोधारी। और जज़ाकल्लाह खैरा, बस यही कुछ गुफ्तगू थी और आप लोगों को जो है वो बहुत बहुत दुआएं दूंगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मजीद हिम्मत सलाहियत दे आप लोगों को इसी तरह से इस गंद को जो है वो लोगों के सामने उभारते रहें, दिखाते रहें, ताकि लोगों को पता चले कि क्या गंदगी है जिससे आप लोग बच के अपने आप को धो के साफ करके निकल आएँ और बाकी लोग भी जो उसमें हैं वो भी उससे निकल के बाहर आ सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जैक भाई मैं माफ़ चाहता हूँ मुदाखलत की, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि ये जो गुलाम अहमद की जे का नारा लगाते हैं दरअसल ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का एक इल्हाम है जो तस्करा में मौजूद है, तो ये वहां से लिया हुआ है इन्होंने, उसने खुद अपना इल्हाम लिखा हुआ है ये गुलाम अहमद की जे। थैंक यू। जी बाबर भाई, जी बाबर भाई आपकी बात ठीक है, मैं वही चीज डिस्कस कर रहा था कि ये अल्फाज ऐसे हैं ना कि जी बिल्कुल चोर साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, दुरुस्त है, इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। खाकसार पेपर मिट साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ज़िया भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह, आपने नाम रखा हुआ खाकसार पेपरमिंट, ये भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का इल्हाम है जी, खाकसार पेपरमिंट। और इसका पता नहीं कि ये क्या चीज़ क्या। अच्छा मेरा मतलब सवाल है, आपने बड़ा पूछा मर्जियों से, आज तक किसी ने नहीं पता चला, ये रूहानी लफ्ज आपकी समझ में आने वाली बात नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा यहाँ ना एक कमेंट में अहमद मंजूर साहब है कोई, उन्होंने लफ्ज़ लिखा है एस ए चौधरी साहब के लिए, ताहर अहमद डार साहब के लिए, कि अल्लाह ने इनको जो है ना दांत गिर रहे हैं इनके, अल्लाह की कुदरत। अब अल्लाह की कुदरत मैं बताता हूँ उसको कि क्या होती है। मिर्ज़ा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो अल्फाज जिस तरह का इस्तेमाल किए बड़ी तकलीफ़ दे लिखा हुआ है। अच्छा अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बेटा, उसके अपने बेटों ने किताब सीरत मेहंदी लिखी जो उसके अंदर उसकी मौत का जिक्र किया हुआ है, क्या मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो गूँ का ढेर साबित नहीं होता आखिर पे? बिल्कुल वाजिया है कि वो गूँ का ढेर साबित हुआ। उसके बाद मिर्ज़ा महमूद देख लो, उसके आखिरी याम क्या थे, कैसे थे, कमरे से कितनी बदबू उठती थी। नासर देख लो, ताहिर देख लो, क्या अल्लाह ताला ने दिखा नहीं दिया है कि ये गूँ का ढेर सबका पूरी की पूरी फैमिली गूँ का ढेर साबित नहीं हुई? अच्छा अब अगर तो उसमें थोड़ा सा भी अदल व इंसाफ है ना अहमद मंजूर में, तो ये
इसी पैमाने के ऊपर परख के देख लो कि दांत के मुंह का ढेर साबित हो जाना अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक नई टर्म इन लोगों ने इस्तेमाल की, स्ट्रीम पे मैंने सुना था। ये जो भी हम लोग बात करते हैं ना तो हमें मौलवी कहते हैं, भले ही वो दाढ़ी वाला हो या ना हो, मौलवी कहते हैं। और ये अपने गुलाम अहमद भाई जितने भी एक्स थे ना, वो आए हैं अब मुसलमान हो गए, तो इनको जालिम मौलवियों के लकब से इस्तेमाल करते हैं कि चंद जालिम मौलवी बैठ कर ना ये गुफ्तगू करते हैं जी हजूर के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने का, अल्लाह हाफिज़। जी जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये ज़िया भाई ज़रा इधर मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली जो हम शमसुद्दीन भाई के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो स्पेशली एक दो दिन हम जो इकट्ठे होके करते हैं प्रोग्राम, उसमें ये इनको बड़ी तकलीफ है। ये नाम ले लेकर वो जिस तरह कहते हैं ना को रोंदी यारा नूं नां ले लेके भरावां दा, ये सानू हुण गुस्सा इस तरह ही कढ़दे ने बेचारे कि फलां मुर्तद ने ये कहा, फलां मुर्तद ने ये कहा, और इनको यही तकलीफें अब उठ रही हैं कि हमारी जो हम बातें छुपी हुई थी वो भी अब बाहर आ रही हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम ने हमारे जो यही जिसको ये जालिम मौलवी कहते हैं वैसी मौलवी, उन्होंने सब कुछ निकाल के इनका बाहर रख दिया हुआ है। तो ये अब मजीद जो है वो जो कसर थी वो अब हमारे तरह के जो मुर्तदीन हैं उन्होंने निकाल के इनकी बाहर रख दी है। तो इनको ये बड़ा मरोड़ उठ रहे हैं आजकल। और इनका जो ये आप इन्होंने भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की कि इनकी आखिर देखें कि इनकी मौत किस तरह से हो रही है। ये सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ नहीं हुआ, इसके वालिद के साथ भी यही सलूक हुआ है। वो भी इसने सीरत नज़ूल अल मसीह किताब में लिखा हुआ है कि वो भी पखाना से आया तो उसकी मौत हो गई उसके बाद। तो ये पखाने का जो रिश्ता है वो इनका जो है वो बड़ा ही गहरा है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जनाब वो पखाने वाला वो कमरा था जिसको साफ करवा के वहाँ पर उसने अपना इबादत खाना बनाया था, जहाँ पे वो बैठ के वो बैतुल फ़ख्र जिसको इन्होंने बनाया हुआ था वो बड़ा गौरव फिक्र करता था उधर बैठ के। ये वो सारा इनका और पखाने का बहुत गहरा उस गू का जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा हुआ अपनी किताबों में, इस गू का इनके साथ बहुत गहरा। जी मैं आपको एक ये ऑथेंटिक प्रूफ देता हूँ कि इनका गू के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। ये इनका जो था दूसरा खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, उसकी जनाब इन्होंने एक किताब छापी है, उसकी अपनी लिखी हुई है, उसका नाम है रोया कशूफ सैयदना महमूद, ये किताब का नाम है जी। सफ़ा है उसका एक, उसमें उसने अपना एक रोया लिखा हुआ है। कहता है उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल की थी और ये उम्र ऐसी होती है कि मज़हब का भी कोई एहसास नहीं होता। मैंने इस वक्त रोया में देखा कि हमारे घर में पुलिस के लोग जमा हैं और दूसरे लोग भी हैं, पाथियों का, ओपलों का, ये जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है जिसकी पाथियाँ बनाई जाती हैं। तो कहता है हमारे घर में लोग जमा हैं, पुलिस वाले भी हैं, तो पाथियों का, ओपलों का ढेर है जिसको वो लोग आग लगाना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो आग लगाते हैं आग बुझ जाती है। तब उन्होंने कहा कि आओ तेल डालकर फिर आग लगाएं, तब उन्होंने तेल डाला लेकिन फिर भी आग ना लगी। इस वक्त मेरी आंख ऊपर की तरफ गई और मैंने देखा कि एक लकड़ी पर मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है कि खुदा के बंदों को कोई नहीं जला सकता। मतलब कि इसको खुदाए जलाश ने ये बताया कि ये जो ओपलों का ढेर है, पाथियों का ढेर है, ये वो खुदा के बंदे हैं जो तुम लोग हो, इसलिए इनको आग नहीं लग रही। खुद को इन्होंने कहा है, खुद ही अपने रोया और कशूफ में इसने लिखा कि कशफ में मैंने देखा कि ये गोबर का ढेर है, उसको दुश्मन आग लगा रहे हैं और हमारे खुदाए जलाश ने कहा कि मेरे बंदों को कोई आग नहीं लगा सकता। तो ये किसकी तरफ इशारा है, ये मेरा मर्जियों से सवाल है। ये जो इन्होंने इसने लिखा है बशीरुद्दीन महमूद ने अपना रोया, इसमें जो ये ढेर है पाथियों का और ये गोबर का ढेर है, इसको मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने किसकी तरफ इशारा दिया है, किसकी तरफ तशबीह दी है, अपनी तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपनी जमात की तरफ,
या इससे मुराद कोई और है, ये सवाल मेरा कादियानियों से है। अब देखते हैं कि वो इसका इकरार करते हैं या इनकार करते हैं। जिधर भी जाएंगे, अगर इनकार करते हैं तब भी मरते हैं, इकरार करते हैं तब भी मरते हैं। इसे कहते हैं फस गई जान शिकंजे अंदर ते जिवें वेलने विच गन्ना, नबी मसीह बन बैठा है हर लूला लंगड़ा अन्ना। हमारे साथ कुछ और साथी भी शामिल हैं, उनको ऐड करते हैं। बाबर भट्ट साहब, आपने कुछ बात करनी थी या कंप्लीट हो गई आपकी बात? अच्छा भाई, मैं एक बात कह लूं? जी 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 जी, मैंने एक बात यहाँ पे कहनी थी। सभी सुन रहे होंगे कि बार बार ये जो नीचे कमेंट्स में भी बोलते हैं और हर वक्त यूट्यूब के चैनल्स पे लिखते हैं बार बार ये सारे अहमदी हजरात के, भाई ओ फलाने क्या तुम आके बोल रहे हो, बताओ जमात में से तुम्हारा इखराज क्यों हुआ। एक तो हर चीज घर बैठे बैठे आप अज्यूम क्यों कर लेते हो कि फलां बंदा या फलां खातून का जमात से इखराज ही हुआ होगा। भाई इंसान को अगर अल्लाह अकल देता है, हर एक बाशऊर इंसान होता है, उसकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है उसका दिल चाहता है कि मैं कोई तहकीक करूं, कुछ पढ़ूं, तो खुद ब खुद अगर जमात छोड़ देता है तो इसमें किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हर एक को अल्लाह ने एक वो दी है, सलाहियत दी होती है, अपनी हर एक की मर्जी है वो जब पढ़ के खुद छोड़ दे। आप ऐसे क्यों अस्यूम कर लेते हो लाजमी ये कोई बद किरदार औरत होगी और जमात ने इसका इखराज कर दिया होगा, या ये बद किरदार आदमी होगा इखराज हो गया होगा। लाइक वाई हर एक के ऊपर इल्जाम लगा दो, हर एक की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो कि लाजमी ये बद किरदार औरत थी या मर्द था, तो जनाब जिस वजह से। ऐसे कहने से कोई आप लोगों को फायदा नहीं होगा। मेरे जो अहमदी खवातीनों हजरात, जो बहन भाई हैं, प्लीज आप ऐसे मत सोचें, हमें आपके लिए दुख होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी कोई इसलाह करें, कुछ पढ़ें, कोई तहकीक करें। ऐसे थोड़ी है कि आप बैठे बैठे ऐसे लोगों के ऊपर गंदे कीचड़ उछालने शुरू कर दो। जो इनकी जमात को छोड़ दे उनके ना करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है उनकी या उनकी फैमिली के लिए, ये ना तोपे खड़ी कर लेते हैं। चाहे वो बंदा अकेला, एक बंदे ने छोड़ी है ना, अगर एक शख्स ने छोड़ी है जमात अपनी मर्जी से, तो ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ उसको चलो लीव हिम अलोन, नो, वो पूरी उसकी फैमिली को बीच में रगेड़ना शुरू कर देते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी बात ही है, और ये अज्यूम नहीं करते, इनको तरबियत ये दी हुई है मिर्जा गुलाम कादियानी ने कि आपने जब भी मुंह खोलना है, गटर लगा हुआ है इनके मुंह को, तो जब भी मुंह खोलना है गंद ही उगलना है आपने, कोई काम की बात नहीं करनी, कोई अच्छी बात इनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। बर्तन के अंदर जो कुछ होता है उसको उलटाओ तो वही बाहर निकलता है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने बस ये गंद बकना होता है जहाँ पे भी, और सामने नहीं कर सकते कोई बात, फेस टू फेस नहीं कोई बात कर सकते। इनके पास इनकी आज़ादी जो है ये सोशल मीडिया ही है, फेक आईडीज़ बना के ये बकवास करेंगे, वरना इनमें ना तो ये हिम्मत है किसी मुसलमान के सामने आके बात कर सकें, ना इनमें ये हिम्मत है कि जो आवाज़ उठाते हैं इनकी जमात के अंदर रहते हुए भी, लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इनकी जमात के अंदर रहते हुए जमात से इख्तलाफात रखते हैं, जैसा कि अहमद यूसुफ साहब थे, वो जब इनकी जमात में थे, इनका जमात का हिस्सा थे, तब भी वो इख्तलाफात रखते थे, बोलते थे। फिर जो लोग इस कल्ट को छोड़ के आते हैं उनके सामने भी बात करने की इनको हिम्मत नहीं होती, तो बेचारे ये सोशल मीडिया पे फिर अपना गंद उगलते हैं और कोई रास्ता इनको मिलता नहीं है। इंजीनियर सैयद हक साहब हैं हमारे साथ, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ियार रसूल साहब और तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। सर दो सवाल आपके सामने रखने थे। पहला तो ये है, ये जो दावा किया जाता है इनकी जानिब से कि ये बहुत बड़े अरबी दान थे, तो मैं कई लोगों से मिला जो अरबी के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका इनका जो अरबिक टेक्स्ट है वो उसमें बिल्कुल फ्लो नहीं है, और जो फ्लुएंसी कह लें या फ्लो कह लें, इसमें आप ऐसा लगता है कि कोई ना तजुर्बाकार लोग इनको डिक्टेट करवा रहे थे, और आप समझते हैं कि कौन लोग डिक्टेट करवा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इनकी कौन सी जो फोरकास्ट या कोई पेशन गोई जो है वो सच्ची हुई है, कोई एक जो क्लेम कर सकते हैं कि एक भी सच्ची हुई हो? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये वैसे जवाब आपको मैं चाहूँगा कि बाबर भट्ट साहब या ताहरा मडार साहब दें, लेकिन मैं आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि कौन सी पेशगोई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सच्ची साबित हुई है। एक पेशगोई जो है वो मैं बता सकता हूँ
जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सच्ची हुई है, उसने कहा था कि मेरे खुदाए जलाश ने मुझे बताया है कि मैं तेरी तालीम को दुनिया के किनारों तक फैलाऊंगा। वो बेशकी सच्ची हुई है, दुनिया के किनारों में जहाँ जहाँ भी मिर्ज़ई फैले हुए हैं वहाँ वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं जाके। यही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तालीम थी, उसकी किताबें गवाह हैं। तो ये जो तालीम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी गालियों वाली थी, ये उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दी है जहाँ जहाँ भी पहुँचे हुए हैं। तो बाकी इसका तहकीकी जवाब जो है, मैं चाहता हूँ कि एस ए चौधरी साहब या ताहरा मडार साहब दें। जी अगर इजाज़त दें तो मैं बयान कर सकता हूँ। जी जी सर। अरबी का जो इनका हमारे दोस्त का सवाल है, मैं उसका अमली तौर पे एक सबूत दे देता हूँ। ना तो इनको अरबी का कोई इल्म है, ना इनको अरबी से कोई लगाव है। कुरान पाक जो है मुसलमानों को इतना लगाव है कि कुरान जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं वहाँ पे आपको कई लोग हाफ़िज़े कुरान मिलेंगे, बच्चियाँ भी और बच्चे भी। मेरे गांव में मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि 70 के करीब वहाँ पे घर थे, अब तो एक भी उनमें से हाफ़िज़े कुरान नहीं है, ना कोई बच्ची ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा, ये हाल है। और मुझे नहीं लगता कि अक्सर को तो नमाज भी नहीं पढ़नी आती। तो ये हाल है, अरबी इन्होंने क्या समझनी है। तो ये हाल है इनका अरबी के मतलब। तो दूसरा जो पेशन हुई पूरी हुई है वो आपको बता दी है। अगर ये मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ लें तो ये हम जो कल्ट के लोग वैसे ही दौड़ जाएं कि जितना वो झूठ है। तहकीक तो बंदा वो करता है जहाँ पे कुछ तहकीक करने की ज़रूरत हो। मुझे शमसुद्दीन साहब का एक वाक़या याद आ गया। वो कह रहे थे कि मैं किसी घर में गया तो वफात ईसा पे बात हो रही थी, लाइक वफात मसीह पे। तो मैंने एक किताब निकाली, उसमें ये था कि मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी जो कब्र मुबारक है वो कश्मीर में है। एक दूसरी जगह लिखा हुआ है कि वो शाम में है, एक और किताब निकाल दी। एक तीसरी जगह लिखा हुआ है कि वो बलादुल शाम, इस तरह का है। ताहर डार साहब अगर मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने चार और पांच किताबें बलादे शाम और यरूशलम। हाँ, तो मैंने जब चार मुख्तलिफ तहरीरें, मैंने कहा हजरत मसीह मौत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी थे, चार कब्रें मिर्ज़ा साहब ने तो अपनी किताबों में लिखी हुई है, चार कब्रों में से कौन सी सच्ची है बात है। तो इनकी बातें तो कोई भी सच्ची नहीं है। बदनसीबी इन लोगों की ये है, अहमदिया कल्ट के अंदर फंसे हुए लोगों की, कि ये हमारी बातें सुन के ये अखराज क्यों हुआ, कमेंट्स दे दिया, गाली दे के दौड़ गए। खुदा के लिए जाके तहकीक करो, जो हम बात करते हैं यहाँ गालियाँ, जब आप थक जाए दे लें गालियाँ तो फिर जाके दो मिनट वहाँ भी लगाओ, ये शर्मो। अल्लाह ताला आपकी हदायत के समान करे। इनकी तो कोई बात सच्ची नहीं है, इनकी तो कोई बात सच्ची नहीं है। जी यहाँ पर मैं भी ऐड कर देता हूँ कि इनकी अरबी दानी का हाल इनके अपने बेटे की ही जुबानी सीरतुल महदी में पढ़ लें कि मिर्ज़ा कादियानी को उसकी अरबी का हाल ये था कि एक तो खुद भी उसने लिखा हुआ है कि जब अलहाम होते थे तो मैं उनको फिर डिक्शनरी में देखता था, लुगत इस्तेमाल करनी पड़ती थी। और इनका जो बेटा है वो लिखता है कि उनको अरबी की बड़ी बड़ी आयतें नहीं आती थी, और दावा यह है कि अल्लाह मल कुरान के कुरान की तलीम मुझे दी गई डे वन से ही, और 13 साल तक झूठ बोलते रहे और अरबी के अलहामात को फिर प्रूफ रीडिंग करवाते थे अपने दोनों फरिश्तों से जो इन्होंने हदीस के मुताबिक घड़े थे, हकीम नूरुद्दीन एंड एहसन अमरोही, उनसे ये अपने अरबी अलहामात की प्रूफ रीडिंग करवाता था मिर्ज़ा कादियानी। और इनकी अरबी की ये हालत है कि कोई आयत भी इनको पूरी नहीं आती थी, और यही हाल इन्होंने अपने हवालों में भी किया हुआ है, अपनी किताबों में भी किया हुआ है। अभी मैंने कल ही इनकी एक और तहरीफ आयत पढ़ी है कि इसकी सूरह अत्तलाक़ की,
उसमें 11 और 12 नंबर आयत का हवाला दिया हुआ है, लेकिन ये आम तौर पे ये कादियानी ये पेश करते हैं कि जनाब हजरत ईसा के लिए जब नुज़ूल का लफ्ज़ आता है तो आप लोग उसको उनको आसमान से मुराद लेते हैं, और जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुज़ूल का लफ्ज़ आता है तो वहां पे आप उसको कहते हैं कि वो पैदा हुए हैं। तो यहां पर मिर्ज़ा कादियानी ने एक बहुत बड़ा जो है वो लानती करदार लाइन करदार अदा किया है कि सूरत जो है अल-तलाक की 11 नंबर जो आयत है उसका आखिरी हिस्सा जो कि कुरान के बारे में जिक्र है और जिक्रन पर वो ख़त्म हो रही है आयत, उससे आगे जो नई आयत शुरू हो रही है उसमें रसूल का लफज है। अब वो पहली आयत का आखिरी हिस्सा 11 नंबर का और 12 नंबर का स्टार्ट का एक लफज पकड़कर उस नजूल के लफज को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट कर दिया, और बेटा ये लिखता है कि मेरे वालिद की हालत ये थी कि जब उसको कोई आयत पूछनी होती थी तो वो कहता था कि वो फलां आयत जिसमें ये लफज आया है, एक लफज बताकर वो अपनी आयत पूछता था। ये थी इसकी अरबी दानी। और एक और अरबी दानी कि वो किताब जो इजाज़ुल मसीह है जो इसने सूरत फातिहा के वाले से चैलेंज लिखा था, जी मैं जी अरबी दान हूँ बहुत बड़ा, मैं तफसीर कर रहा हूँ इसकी सूरत फातिहा की, मेरे मुकाबले पर 70 दिन में जो है वो कोई तफसीर कर दे, अपने मुखालफिन को चैलेंज कर करके कह रहे थे। वो भाई वो मुखालफिन का तो दावा ही कोई नहीं, तुम्हारा तो दावा है कि तुम नबी हो, तुम मैदी हो, मसीह हो, पता नहीं कौन कौन से दावे हैं, उनका और तुम्हारा क्या जोड़ा है। अब वो जो तफसीर कर रहा है उसके टाइटल पेज पे, मजेदार की बात कि टाइटल पेज पे इजाज़ अहमदी के लिख रहे हैं कि 70 अयाम के माहे सियाम, 70 दिनों का, वो कौन सा रमजान का महीना जो 70 दिनों का है, उसमें ये शाया हुई है किताब। जी जी, और वो जिहादी किताब का नाम है और वो इसने बकायदा इस चैलेंज के साथ लिखी थी कि जी मेरी अरबी दानी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उसके टाइटल पेज पे ही अरबी के फसीह व बलीग जो है मुजारे देखने को मिलते हैं। लिखता है फी मतबी ज़ियाउल इस्लाम फी सब ई न यौम मिन शहर सियाम, कि ये मतब ज़ियाउल इस्लाम में रमज़ान शरीफ के 70 दिनों में मैंने ये किताब लिखी है। रमज़ान का कौन सा रमज़ान है जो 70 दिनों का होता है। और आगे लिखता है मकाम तबा कादियान ज़िला गुरदासपुर, ये गाफ और पे इसकी कौन सी अब्बा जान की अरबी में होता है, ज़िला गुरदासपुर अरबी में लिखा हुआ है, ज़िला गुरदासपुर गाफ भी और पे भी, ये इसकी अरबी का हाल था। फिर दूसरा नमूना इसकी अरबी का जनाब ये लिखता है जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, एक छोटा सा बच्चा जो है मुसलमानों का थोड़ा सा भी जो कुरान पाक का नॉलेज रखता है या तर्जमा पढ़ लेता है उसको भी पता है अकीदा तौहीद की बड़ी मजबूत ये सूरह है, छोटी सी सूरह कुरान पाक की सूरह इखलास, उसमें लिखता है कि जनाब लम यलिद का मानी करते हुए कि इसका मानी है खुदा किसी का बेटा नहीं, किसी का जनाया हुआ नहीं, जबकि इसका मतलब ये है कि खुदा किसी का बाप नहीं। जिस बंदे को लम यलिद के मानी का नहीं पता उस बंदे से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसको अरबी आती होगी। इसी तरह फिर ये रूहानी खजाइन के 18 जिल्द में नज़ूरुल मसीह है, उसमें इसने कुरान पाक की दो आयात जो हैं, दोनों आयात चूंकि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन उनके कुछ अल्फाज मुख्तलिफ हैं, तो इसने एक जो है आयत की आधा हिस्सा एक आयत का लिया और आधा दूसरी आयत का लिया, और ये लिखा हुआ है युरीदुना अन युतफियु नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जबकि ये आयत है युरीदुना ली युतफियु, तो इसको अन युतफियु दूसरी आयत में है उसका पहला हिस्सा लेके वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलो करेल काफिरून दूसरी आयत का हिस्सा है, दोनों को इसने अपने तई एक ही आयत बना के लिखा है और उसका बकायदा नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ है इसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने। अब इसकी जो नस्ल आगे आई है वो इसकी गलतियां निकाल रही है, उन्होंने जनाब ऊपर वाले पोर्शन पे जनाब नंबर एक लिख के नीचे वाला हिस्सा जो आयत का उस पर नंबर दो लिख के नीचे जनाब उसके हाशिए के नीचे वो लिखा हुआ है कि ये फलां आयत का हिस्सा है और ये फलां आयत का हिस्सा है, जबकि मिर्ज़े ने इसको एक ही आयत बना के पेश करके उसका बकायदा नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ है। ये हाल था इनकी अरबी का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का। लेकिन वो कहते हैं ना हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान शर्म हो जाए छोड़ दे फिर जो चाहे करे, यही हाल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का था और यही हाल इनके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के उम्मतियों का है। पेशगोईयां है तो कोई एक पेशगोई भी पूरी तो क्या होनी, पूरी होने के नज़दीक भी नहीं आई,
मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूं, मैं आज फिर लाइव स्ट्रीम में चैलेंज कर रहा हूं कि जिस तरह मिर्जा गुलाम कादियानी ने पेशगोईयां की और जिस मियार पर उन पेशगोईयों को कादियानी हजरात पूरा करते हैं, पूरा होना साबित करते हैं, वैसी ही पेशगोईयां होंगी, वही मियार रखा जाएगा। ज़िया रसूल अमीनी 100 कहो 1000 कहो पेशगोईयां करेगा। और पहले बता देता हूं, सारी की सारी, एक भी उनमें से आप झूठी साबित नहीं कर सकोगे, सारी की सारी मैं सच्ची साबित करके दिखाऊंगा। और इससे भी बड़ा चैलेंज यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो कहा है ना कि मेरे खुदा ने बताया है, मेरा ये भी चैलेंज नहीं है क्योंकि इनके नज़दीक तो खुदा ने बताया और खुदा तो पक्की बात बताता है। मैं कहता हूँ मैं खुद अपनी ज़ात से करता हूँ ये पेशगोईयां, हूबहू वैसी होंगी जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी ने की हैं, और जो उसको पूरा करने का मियार है मेरी पेशगोईयों को उसी मियार पर परखा जाएगा। एक भी पेशगोई झूठी साबित कर दें पूरी ज़िंदगी में मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़ाब करना छोड़ दूंगा, लाइव स्ट्रीम पर कह रहा हूँ। नहीं कर सकते क्योंकि सारे ढकोसले लगाए हुए थे, पेशगोईयां निशान हैं क्या? वो कोई बंदा मर गया, उसके मरने के बाद कुछ दिनों बाद इसने जनाब इश्तहार दे दिया कि मुझे इसके मरने से एक हफ्ता पहले इलाम हो गया था कि ये अनकरीब मर जाएगा। और जब पहले इलाम हुआ था तब क्यों नहीं बताया? वाक्य होने के बाद ही तुझे क्यों इलाम होते हैं? अब्दुल्ला आसम का भी यही मामला था, जब वो 15 महीने गुजर गया तो उसके बाद कह रहा है कि मुझे इलाम हुआ, खुदा ने बताया, पहले क्यों नहीं बताया तुझे भी? और पेशगोईयां ये हैं जी, एक बार मरतबा मुझे बुखार हो गया, बहुत सख्त शदीद जो है वो बुखार था मुझे, और सुबह सुबह नमाज के टाइम मुझे ये लफाजी बड़ी करता था, सुबह और तहज्जुब के वक्त जनाब मुझे इल्हाम हुआ। क्या इल्हाम हुआ जी? अन करीब तो सेहतमंद हो जाएगा और शाम तक मैं ठीक हो गया। लो जी ये पेशगोई है, ये निशान है, और मुझसे 1000 निशान क्यों मान लो? मैं 1000 बातें बता देता हूँ आपको। एक मरतबा मैं लाहौर गया तो लाहौर जाने से पहले ही मुझे रात को इलाम हो गया था कि मैंने सुबह लाहौर जाना है, अगले दिन मैं लाहौर चला गया। एक दफ़ा जी मैं, मेरे कान में फिंसनी निकली, फिंसनी निकलने से 2 दिन पहले मुझे कश्यप में बताया गया था तुम्हारे कान में फिंसनी निकलेगी, लिहाजा वो निकली। एक मरतबा मुझे तमूड़ी लड़ी तो 3 दिन पहले मुझे इलाम हुआ था कान करीब तुम्हारे तमूड़ी लड़ने वाली है, फिर तुम ऊपर पेट्रोल डालोगे तो जलन ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि मुझे तमूड़ी लड़ी, मैंने ऊपर पेट्रोल डाला, उसकी जलन ख़त्म हो गई। क्या है ये? क्या ये इंसानी काम है? क्या ये कारखाना खुदा के काम नहीं है कि उसने पहले मुझे बता दिया तुम्हूड़ी लड़ेगी, फिर मैं पेट्रोल भी बताऊंगा डालूंगा और फिर मेरी जान खत्म डालूंगा फिर मेरी जान खत्म। ज़िया भाई ये माजत के साथ ये माजत के साथ आपकी बात कट गई, मैं यहाँ पर वो मौजा बयान कर देता हूँ कि आपके नजदीक क्या ये मौजा नहीं है कि न मर्द होने के बावजूद दूसरी शादी के फौरन बाद बच्चे पैदा होने शुरू हो गए? जी ये बिल्कुल मौजा है, और एक ऐसा मौजा मिर्जा गुलाम कादियानी का जिस पर मैं बकायदा वीडियो बना चुका हूँ पूरे मुकम्मल सबूतों के साथ, और आज तक ये हर बात में कोई ना कोई तवील शवील जड़ जुड़ देते हैं, उस वीडियो की आके इन्होंने कोई तवील भी नहीं की है। मिर्जा गुलाम कादियानी की जब शादी हुई तो शादी होने के बाद जब इसको इसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो बेटी के पैदा होने से 3 महीने पहले तक मिर्जा गुलाम कादियानी कन्फर्म 100% नामर्द था, और नामर्दी भी इस हालत तक पहुँची हुई थी कि अब ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, अगर थोड़ी देर के लिए वो अपने कान बंद कर लें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा क्योंकि अब बात चल पड़ी है मैं बयान कर रहा हूँ। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद उसके ये मकतूबात अहमदिया में ये बात खत मेरे पास अभी मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, उसने अपनी ये नामर्दी की हालत बयान करते हुए लिखा है कि मेरा जो सुबह के वक़्त नअव्वुज़ बकुली जाता रहता है। मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझने वाले तमाम हजरात समझदार हैं समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो मिर्जा साहब जो है इस काबिल ही नहीं थे कि वो अपनी बीवी से सोबत कर पाते 3 महीने बेटी पैदा होने से पहले, ये अथेंटिक इनकी किताबों से मैं सबूत दूंगा। या तो वहाँ ये कहेंगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठ बोला है, उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे जब वो खुद कहता है कि मेरी ये हालत थी इस वक्त तक, वो सबूत मौजूद है, या तो उसने झूठ बोला है। अगर उसने झूठ नहीं बोला तो 3 महीने के बाद जैसे ही समझ लें कि जब तक वो नमर्द थे उसके बाद हम वो भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि मर्द हो गया होगा, उसने नहीं लिखा कि मेरी हालत ठीक हो गई थी। चले बहरहाल 3 महीने में बच्ची कैसे पैदा हो गई,
बहरहाल ये इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मिर्जा साहब का मौजा तारीख इंसानियत में पहली बार किसी इंसान के घर में तीन महीने का हमल हुआ और तीन महीनों के हमल में ही बेटी पैदा हो गई। हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। मिर्जा गुलाम कादिनी का दूसरा मौजा अपना था, 10 माह के हमल वाला, वो जानवरों का इसने अपने अंदर कन्वर्ट किया था, और ये एक मौजा। इस तरह के मामला जरूर हैं मिर्जा साहब के, जिसके हम कायल हैं, इसका हम इनकार नहीं कर सकते, इसका हम इनकार। बाकी जो है जी खारक आदत है ना, असल में खारक आदत है, खारक आदत ही होता है मौजा, खारक आदत ही है। मौजा का मानी ये है कि खारक आदत जो कानून कुदरत के जो कवानीन हैं या आम असूल हैं उससे हट के जो मामला होता है उसी को ही मौजा कहते हैं। इसको बिल्कुल कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। मौलवी का मुंह बंद कर सकते हैं कादियानी हज़रात, ये तो बेवकूफ़ है, ऐसी बातों से परेशान हो जाते हैं। इनको तो धड़ल्ले से सीना ठोक के कहना चाहिए, हाँ भाई मौलवी हो लाओ तरीके इंसानियत में कोई एक ऐसा बच्चा दिखाओ जो 3 माह के अमल से पैदा हुआ हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मौजजात का इनकार करते हो मसीह मौत का। तो ये इनको धड़ल्ले से इनको बयान करना चाहिए, ये शर्म कर जाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मिर्जा गुलाम कादिनी की ज़िंदगी पढ़ लें, यकीन करें कोई लतीफ़ों की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इनको। उसमें तो एक आम जो पागल होता है, पागल जितनी भी उसमें अकल नहीं थी, पागल भी थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं को अकल की बात कर लेते हैं, इसमें तो ज़िंदगी भर कोई अकल की बात की नहीं है। जो भी इसकी बात उखाड़ के देख लो उसके पीछे कोई ना कोई नया नमूना निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। ये 2 घंटे और 31 मिनट हो चुके हैं, हम प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। बाबर भट्ट साहब आए थे, अभी भी मौजूद हैं। बाबर भट्ट साहब, अगर आपको ये आखिरी कलमात कहना चाहते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल साहब, मैं आपकी एस ए चौधरी साहब और प्रोफेसर डार साहब की बातें सुन रहा हूँ। असल में इनकी मिर्जे की एक पेशन गोई 100% दुरुस्त साबित हुई थी, लेकिन बदकिस्मती के ये उस पेशन गोई को दुरुस्त मानते नहीं है। उसने कहा था कि जो भी झूठा होगा वो ऐसे की मौत मरेगा। आप इनसे कहेंगे ये पेशन गोई जो है ये दुरुस्त हो गई है तो वो ये पेशन गोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसा कि एस.ए. चौधरी साहब ने कहा कि इनकी फैमिली में कोई हाफिज़े कुरान नहीं था, मैंने भी कई दफा अपनी फैमिली के बारे में ये सोचा। तो बट साहब फैमिली नहीं, मैं पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ, फैमिली नहीं पूरे गाँव में। अच्छा माजरा चाहता हूँ, हमारे गांव में तो खैर घर ही एक था जब हम पैदा हुए, एक ही घर था, आज भी एक ही है। साथ वाले गांव में एक ही घर था, आज भी एक है। झेलम में जिन लोगों को मैं जानता हूं जितने घर थे आज भी उतने ही हैं। मैं ये जरा ना देख के थोड़े से चावल इन्हें चखा रहा हूं कि देख कर चावल चख लें और इनको पता चल जाएगा कि देख कितनी है। बाकी अपने मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे जितना भी शोर करें कि हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मैं ये बात वजू करके मस्जिद में खड़े होके कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स को कादियानी होते हुए नहीं देखा, लेकिन छोड़ते हुए बेशुमार देखे हैं, अपनी फैमिली में छोड़ते हुए बेशुमार देखे हैं। तो बहरहाल झूठ के पाँव नहीं होते। कल इन्होंने एक्सट्रीम किया है, आपने एस ए चौधरी साहब या प्रोफेसर साहब ने देखी होगी, हो सकता है ज़िया रसूल साहब ने भी देखी हो। तो कल ये इन्होंने अपने रंग दिखाए हैं, थोड़ा सा खुल के सामने आए हैं। इन्होंने कल मुर्तद के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, फला मुर्तद ने अपने प्रोग्राम में ये कहा, फला मुर्तद ने। हम ये यकीन दिलाते रहे अपनी फैमिलियों को, दूसरे कादियानियों को कि ये हमें मुसलमान नहीं समझते, और वो हमारे मुंह पे यही कहते रहे कि हमारी ये जुर्रत नहीं है, हमारे पास अख्तियार नहीं है हम किसी को गैर मुस्लिम कह सकें। और आपस में जब ये बैठते हैं तो फिर और तरह बात करते हैं। तो कल ये खुल के सामने आए हैं, कल इन्होंने हवाले दे दे के कहा कि फलाम मुर्ताद ने ये बात की, फलाम मुर्ताद ने ये बात की। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत को कितने बेशर्म होके वहां बयान कर रहे थे। हमें तो ये लेते नहीं है ना स्ट्रीम में, हम इनसे पूछे कि मिर्जा खानदान की तारीख में, हम 125-150 साल की तारीख तो जानते हैं, एक नाम हुसैन बता दें जो उन्होंने रखा हो अपने किसी बच्चे का, या हसन, या किसी बेटी का नाम फातिमा रखा हो। अहले बैत से जितना बुग्ज इनका है, दुनिया जो गैर मुस्लिम है, सिख, हिंदू, ईसाई, उन्होंने भी इन लोगों की तारीफ की है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। अहले बैत से इनका इतना बुग्ज है, मुझे मोहम्मद नाम बता दें। कल किस मुंह से ये स्ट्रीम कर रहे थे, और जितने हमने 2 स्ट्रीम किए हैं, और मिर्जा कादियानी के जो
जो मुगल ज़ात है जो उन्होंने गंदी जबान इस्तेमाल की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, हमने वो स्कैन लगा के रेफरेंसेस लगा के दिखाया, ये कल इन्होंने उन रेफरेंसेस को टच भी नहीं किया, उनके पास से नहीं गुजरे, आगे पीछे से तहरीरें दिखा के ये कहते रहे कि बड़े वो अकीदत मंद थे। भाई अकीदत मंद जो होता है वो अमलन साबित करता है अकीदत। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि अगर मैं बीवी से ये कहता रहूं कि मैं आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, सारा दिन ये कहता रहूं और वो कहें कि मुझे एक सूट अच्छा सा लेके दो और मैं कहूं ये तो नहीं मैं कर सकता, मैं वो मुझे कहें कि मुझे एक एक जोड़ा ले दें जूतों का, मैं कहूं मैं ये तो नहीं कर सकता। भाई मोहब्बत को अमलन दिखाना पड़ता है। मैंने चैलेंज किया है आपकी फैमिली में पूरी 150 की तारीख में मैंने एक भी नाम नहीं देखा हुसैन या हसन या फातिमा या मोहम्मद। आप किस तरह दावे कर रहे हैं अहले बैत से अकीदत के? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का नाम फातिमा है, मेरे बेटा मुहर्रम में पैदा हुआ था, मैंने उसका नाम हसन रखा है, मेरे बड़े बेटे का नाम बिलाल है, बहुत बड़ा नाम है तारीख इस्लाम में, है कोई ये दिखा सकें? तो पता नहीं किस बेशर्मी से भाई आज के दौर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर है, आप कितना पागल बना लेंगे, कितना लोगों को पागल बना देंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल इन्होंने ऐसी ढिठाई से वो बातें की हैं और बहुत सारे वाले जो हमने दिए थे अपने प्रोग्राम में अपनी स्ट्रीम में वो इनके वो करीब से भी नहीं गुजरे। तो बहुत शुक्रिया जी ज़िया रसूल साहब आपका, आपने मुझे ऑनलाइन स्ट्रीम में लिया। एस एच चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोफेसर साहब हैं ताजदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जज़ाकअल्लाह बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात जो है पेशगोई की, जो भाई ने सवाल किया था कोई पेशगोई पूरी हुई, एक तो डार साहब ने बताई है प्रोफेसर साहब ने, दूसरी जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। मकतूबात अहमद है, जिल्द अव्वल है, सफ़र नंबर 498 है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की इबारत पढ़ें, तमाम कादियानी हज़रात गौर से सुने और इसके बाद जाके दीवार में सर मारें, टकरे मारें दीवारों में कि आप किस बंदे को सच्चा मान रहे हैं जिसने खुद को कहा है, साबित किया है कि मैं झूठा हूं। कल को क़यामत वाले दिन जो इसके फॉलोअर्स हैं, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कल को क़यामत वाले दिन जब पेश किए जाओगे अल्लाह के हुजूर और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़ाबों की कतार में होगा, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अगर तुम लोगों से यही सवाल पूछ ले क़यामत वाले दिन कि तुम लोग जो मुझे सच्चा मानते रहे हो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये उज़र पेश कर सकता है कि इतनी जो लोगों को गुमराह किया इसमें मेरा कसूर नहीं था, ये उज़र पेश कर सकता है? क्यों कर सकता है? उसकी वजह ये इबारत है, क़यामत के दिन भी वो मिर्ज़ाइयों से बरी हो जाएगा कि मैंने इनको गुमराह नहीं किया, ये खुद गुमराह हुए थे। मिर्ज़ाई भी जवाब दें कि इसके बाद मिर्ज़ा को कैसे सच्चा मानते हो। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखता है कि अब तक जो मेरे लिए निशान ज़ाहर हुए वो 3 लाख से भी ज़्यादा हैं और कोई महीना बग़ैर निशानों के नहीं गुजरता, मगर बावजूद इन तमाम अलामतों के तालबे हक़ के लिए, सुने मिर्ज़ाई, तालबे हक़ के लिए मैं ये बात पेश करता हूँ कि मेरा काम जिसके लिए मैं इस मैदान में खड़ा हूँ यही है कि मैं ईसा परस्ती के सतून को तोड़ दूँ और बजाय तसलीस के तौहीद को फैलाऊँ और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और अज़मत और शान दुनिया पर जाहर करूं। पस अगर मुझसे करोड़ निशान भी जाहर हों और ये इल्लत गाई जहूर में ना आवे तो मैं झूठा हूं। पस दुनिया मुझसे क्यों दुश्मनी करती है, वो मेरे अंजाम को क्यों नहीं देखती? अगर मैंने इस्लाम की हिमायत में वो काम कर दिखाया जो मसीह मौद और महदी मौद को करना चाहिए था, कौन सा? जो ऊपर बयान करके आ चुका है, ईसा परस्ती के सतून को तोड़ना, तसरीस की बजाय तौहीद को फैलाना और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और अजमत और शान दुनिया पर जाहर करना। ये काम अगर मैंने कर दिखाया तो फिर मैं सच्चा हूं, और अगर कुछ ना हुआ और मैं मर गया तो फिर सब गवाह रहे कि मैं झूठा हूं। यही इबारत मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अल हकम अखबार जो उसमें लिखी है, ये है जी 24 जुलाई 1906 का अल हकम अखबार, सफ़ा नंबर इसका 9 है। यही इबारत मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 498 पर लिखी हुई है। मेरा सवाल है मिर्ज़ाइयों से, मिर्ज़े के बाद जितनी गुस्ताखियां नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ऐसी तारीख में पहले नहीं हुई। मिर्ज़े ने गुस्ताखी की हिंदुओं की, उनके भगवान के बारे में,
यहाँ तक उसने लिखा कि हिंदुओं का जो परमेश्वर है ये नाभ से 10 उंगली नीचे है, उनके बारे में गंदी गंदी इसने शायरी लिखी, गाली गलोच किया, तो जवाबन हिंदुओं ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले करने शुरू किए। और ये बात मैं नहीं कहता, पंडित लेखराम ने अपनी किताब कुलियात आर्या मुसाफिर में ये बात लिखकर बयान की है कि हमारा हरगिज़ इरादा नहीं था कि हम इस्लाम के खिलाफ कलम उठाएं, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादरी ने हमें मजबूर किया है अपनी जुबान दराजी से, अपनी गाली गलोच से और हमारे मुकदसात की तोहीन करके उसने हमें मजबूर किया है कि हम भी इस्लाम के बारे में कुछ लिखें। उसी के बाद रंगीला रसूल नामी बदनाम जमाना किताब लिखी गई, जो रिएक्शन था मिर्ज़ा गुलाम कादरी की इन्हीं बकवासात का। उसके बाद आप देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादरी गुजर गया, उसके बाद आज तक मुनज़्ज़म तरीके से, ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से पूरी तारीख इस्लाम में कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ नहीं हुई जैसे मुनज़्ज़म तरीके से अब हो रही हैं। लोग बाकायदा ऐलानात करके कुरान पाक को जला रहे हैं। अभी भी पिछले दिन स्वीडन में जो है जुमे वाले दिन कुरान पाक का नुस्खा नऊज़ बिल्लाह जलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए बाकायदा प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं ये मलऊन गैरेट बिल्डर जैसे, और जो अपने अंजाम को भी पहुँचते हैं। जितनी गुस्ताखियाँ मुनज़्ज़म तरीके से कुफार ने अब करनी शुरू कर दी हैं मिर्ज़ा गुलाम कादरी के बाद, ऐसी पहले कहीं नहीं हुई। तो मिर्ज़ा ही मुझे बताएं कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान और जलालत मिर्ज़ा गुलाम कादरी पर जाहिर करके गया है, दुनिया पर जाहिर करके गया है, यही करके गया है कि उसके बाद गुस्ताखियाँ बढ़ गई हैं? ये कैसी शान और अजमत जाहिर करके गया है? बहरहाल बाकी प्रोग्राम किसी और में हम बताएंगे कि ये इसने कौन सी शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की है कि जनाब मुझे तो खुदा लम्हे पे लिए गलती पे नहीं रहने देता, अम्बिया को तो खुदा अपनी मौत तक गलती पे नहीं रहने देता, उनकी तसीह फरमा देता है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक गलती पर कायम रहे और उसको दुरुस्त नहीं कर सके। ये अजमत बयान करके गया मिर्ज़ा गुलाम कादरी। अगली बात, ईसा परस्ती के सुतून को तोड़ दूंगा, वो आज भी सही गले में सलीब लटका के मिर्ज़ा मसरूर के सामने आके सीना ठोक के बैठे होते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस मिर्ज़ा का दावा था कि मैं ईसा परस्ती के सुतून को तोड़ दूंगा, ना तोड़ा तो मैं झूठा हूँ, नहीं टूटा जी मिर्ज़ा, जो आज भी मिर्ज़ा सलीब गले में लटका के फिरते हैं, कहाँ गए मिर्ज़ा गुलाम कादरी के दावे? और तौहीद को फैला दूंगा तसलीस की बजाय, लेकिन उसी रेशो से इस्लाम जो है वो फैल रहा है जिस रेशो से पहले फैल रहा था 1400 साल से। मिर्ज़ा गुलाम कादरी ने कौन सी जो है वो तौहीद को फैलाई है जिससे तसलीस जो है वो ख़त्म हो गई है? तो ये मिर्ज़ाइयों से मेरे सवाल आते हैं, क्या मिर्ज़ा गुलाम कादरी ने इन तीनों में से कोई एक काम भी किया? अगर नहीं किया तो वो कह के गया है मैं झूठा हूँ, क़यामत वाले दिन वो खुद तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा कि मैं तो कह के गया था ये काम ना हुआ तो मैं झूठा, तुमने कैसे सच्चा मान लिया? तमाम मेहमाना ने ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, जो दूसरे अहबाब तशरीफ़ फरमा थे, जो नाजरीन जिन्होंने प्रोग्राम को देखा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो है दिन के वक़्त 10 बजे इसी चैनल पर हमारा एक और प्रोग्राम है। साबका कादियानी बहन है जिन्होंने कादियानी कल्ट को छोड़ा है, उनका खसूसी इंटरव्यू है, उसमें भी तमाम अहबाब लाजमी शिरकत करें। ये दिन के वक्त सुबह के वक्त 10 बजे होगा कल हमारे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।